नहीं, वो अपने उसके चैलेंजेस है, मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर ने रिवोल्यूशनलाइज कर दिया, पूरी बदल गई है जिंदगी मेरा ख्याल है। लेकिन सॉफ्टवेयर में आप जिस तरह कुछ कोर चीज़ें होती हैं ना, अब जब एक अगर आप ज़रा करके देखें उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कोड लिख के देखें, कर्नल प्रोग्रामिंग करके देखें, तो वो मतलब सही कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि मतलब आप एक चीज़ हिलने से बहुत सी चीज़ें हिल जाएंगी। डिपेंड्स कि आपने कोई छोटा सा काम करना है या मेजर चेंज करनी। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। आजकल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में काफ़ी मतलब स्पेशली इस लेयर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली है, वो तो हार्डवेयर के बिल्कुल फर्स्ट लेयर। फिर अच्छा सॉफ्टवेयर लिखा हुआ हो तो इसकी अपनी डायनामिक्स है। मतलब इवन जो गेम्स हैं आप कह लो कि कैंडी क्रश है या एंग्री बर्ड्स है, इट्स ह्यूज मार्केट। और व्हाट्सएप है, अब इन दी एंड मार्केट ये शो कर रही होती है ना कि इम्पैक्ट कितना है एक चीज़ का। मतलब एक व्हाट्सएप है ना, एक बिल्कुल गूगल ने बड़ी कोशिश की कि वो सोशल नेटवर्क में और इसमें किसी या मैसेजिंग में इस किसी तरह इन हो सके। हैंगआउट तो अभी फिर भी किसी हद तक कुछ चल रहा है, लेकिन हैंगआउट से पहले उन्होंने ऑर्कड बनाया फेसबुक के कंपेटिटिव, फिर वेव बनाया, फिर गूगल प्लस बनाया, नहीं हो सका उनसे, उस तरह से नहीं वो चला। हालांकि जायंट है गूगल, लेकिन इस मार्केट में लग नहीं रहा था कि नया प्लेयर आ सकता है। लेकिन व्हाट्सएप एक नया प्लेयर था, मतलब व्हाट्सएप कोई फेसबुक ने एक्वायर तो कर लिया, लेकिन वो फेसबुक ने तब एक्वायर किया जब उनकी यूज़र बेस वाकई बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो क्या चीज़ अहम है क्या चीज़ नहीं है, ये एक और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, तो अब बहुत सारी चीज़ों में अब एक ड्राइव है सॉफ्टवेयर डिफाइंड होने की। जो हार्ड कोर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स थे, जिस तरह हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रडार्स, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ठीक है। सो अब बहुत सी कंपनियां जो पिछले एक दो सालों में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की बेस पे आई के, तो और इसी तरह रेडियोस भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड, ये बड़े हार्ड कोर प्रॉब्लम होते, इनमें कुछ कन्फिगरेबल नहीं होता था। अब जब ये थोड़े सॉफ्टवेयर डिफाइंड होना शुरू हुए, मीन्स के कि आपका जो फ्रंट एंड है वो आपका अभी भी एनालॉग कोई हार्डवेयर है, बट उसके पीछे आपकी पूरी फंक्शनैलिटी जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो, और उस सॉफ्टवेयर को आपने फुली कन्फिगरेबल रखा हुआ है, और वो उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। मतलब वो एक पैराडाइम ही शिफ्ट हो जाती है, और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी हैं। मतलब इट्स नॉट के सॉफ्टवेयर जो है वो इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा ख्याल में वो है। उसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आप जस्ट ये थोड़ा सा इधर से ऑफ जाएगा, लेकिन किसी हद तक रिलेटेड भी है कि गूगल का जो सेटअप होगा, जो डाटा सेंटर पूरा बनता है, वो एक मतलब वो बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें क्लस्टर्स एंड क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर लगे हुए हैं, जिसकी कूलिंग से लेके वो पूरा एक मतलब वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। बट इन दी एंड वो सब ये सपोर्ट कर रहा है कि आप मैसिव ट्रांजैक्शंस, सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शंस कर सकें। इवेंचुअली उसके ऊपर क्या हो रहा है कि मैं एक सर्च कर रहा हूँ और वो एक बहुत बड़े डाटा बेस में से उठा के मुझे उसके रिजल्ट्स दे रहा है, और ऐसी बिलियंस ऑफ क्वेरीज को एट द सेम टाइम आप हैंडल कर सके। तो अब वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बाउंड्री अब ब्लर हो चुकी है ना काफ़ी हद तक। तो और भी कई जगहों पर सॉफ्टवेयर आ रहा है, जिस तरह मोबाइल
जिस तरह इवन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अब 3G 4G शुरू हो गया है, और अब हम लोग उसके पैकेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, आगे पीछे आते जाते हैं। मैं जाने से पहले चेक कर लेता होता हूँ अक्सर कि ट्रैफिक कितनी है क्या नहीं है। लेकिन इसकी मतलब इसके ऊपर सॉफ्टवेयर एप्स बन सकती हैं बहुत बड़ी। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी पिछले दिनों एक कंपनी है सब्जी .pk जो लाहौर में सब्जी सप्लाई करती है, ठीक है, और वो यही है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, वो आपको 1 घंटे के अंदर सब्जी डिलीवर कर देते हैं फ्रेश। और उसकी कोई 7 मिलियन डॉलर या कोई 7.5 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हुई है। तो सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जैसे जैसे ये यूबिक्यूटस होता जा रहा है ना, कि आपके पास हर वक्त ऑन कंप्यूटर मौजूद है आपके हाथ में, ठीक है, हर वक्त ऑन कनेक्टेड कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में बहुत काम है, और मतलब ये एग्जांपल का मकसद ये है कि एक बिल्कुल एक डिफरेंट बिजनेस, जो नॉट इवन इंजीनियरिंग बिजनेस, ठीक है, तो सब्जी सप्लाई करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सब्जी सप्लाई करने को अगर आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड करने जा रहे हैं, तो अब ये एक और चैलेंज बन गया। अब ये चैलेंज बन गया कि अगर मुझे ऑर्डर आया है और मैप के ऊपर इस जगह से ऑर्डर आया है, मेरा डिलीवरी बॉय इस जगह पर है, या मेरे 10 डिलीवरी बॉय डिफरेंट जगहों पे हैं, तो कौन सा ऑप्टिमल राउट बनेगा कि मैं उधर पहुंच सकूं 1 घंटे में, कौन से बंदे को उठा सकूं, और मतलब को ऑर्डर फॉरवर्ड होना चाहिए और किस फार्मर से लेके आना चाहिए। मतलब ये एक सप्लाई चेन प्रॉब्लम बन जाता है, जो कि एक डिफरेंट प्रॉब्लम। तो मतलब काफ़ी सारी जो बाउंड्रीज है ना, वो मर्ज हो रही है मेरे ख्याल में। तो मैं ये फाइनमैन ने कहा होगा, लेकिन वो फाइनमैन थोड़ा सा एक कुछ डेकेड्स पीछे था, मतलब वो अभी, लेकिन वो उसको फोत हुए भी कुछ टाइम हो गया ना मतलब ऑब्वियसली वो पिछली सदी के मतलब बेस्ट माइंड्स में से था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वांटम थ्योरी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन और उसके अलावा भी वो बड़ा फिजिक्स का बहुत अच्छा था, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो रेवोल्यूशन आ रहा था वो भी उसने पूरा देखा नहीं था मेरे ख्याल में। ये अक्सर लोगों को उस जमाने में शायद लगता था, लेकिन वो चेंज हो गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम हमने VLIW प्रोसेसर करना शुरू किए, और हमने कहा कि फंडामेंटली ये डिफरेंट है पिछले आर्किटेक्चर से। इसके अंदर हम बजाय ये कि हार्डवेयर खुद आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंट हैं, उसके बजाय सॉफ्टवेयर ही आइडेंटिफाई करके फिल इन कर दे, और एक बड़ा सा स्लॉट, एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन बना के उसको फॉरवर्ड कर। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में फेच होगी, आपका VLIW प्रोसेसर देखेगा कि अच्छा कौन कौन सी आई है इंस्ट्रक्शन, और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा अपने अपने फंक्शनल यूनिट पे। तो हार्डवेयर सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। सो ये ज़्यादातर मैंने बताया था कि DSP प्रोसेसर्स पे यूज़ होते हैं, जहाँ पर आपको फिल्टरिंग और इस किस्म के काम करने हैं। तो आप शायद कुछ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स कई दफ़ा नहीं भी होते उसमें, लेकिन आप इवेंचुअली मल्टीपल मल्टीप्लिकेशंस, मैक्स हम उनको कहते हैं, पैरेलल में कितने मैक्स कर सकते हैं, वो अमूमन जनरल पर्पस प्रोसेसर से ज़्यादा कर सकते होते हैं DSP प्रोसेसर। और इस वजह से वो ऐसी एप्लीकेशंस में जहाँ पर सिग्नल प्रोसेसिंग के काम आते हैं, वहाँ पर अच्छे होते हैं। इसमें हमने कहा कि भाई ये इसकी एग्जांपल की थी लास्ट टाइम, सिंपल सा एक लूप था जो कि एक एरे के अंदर एक कांस्टेंट ऐड करके दूसरी एरे के अंदर लिखवा रहा है। और इसका हमने देखा था कि छोटा सा कोड बनता है अगर हम नॉर्मल सुपर स्केलर वाला कोड देखें, लेकिन अगर हमने इसको VLIW में फिल इन करना है, तो हमने कहा कि इसमें हमें कोई खास गेन नहीं हो रहा, क्योंकि डिपेंडेंस है, रियल डिपेंडेंस है कि जब तक ये लोड नहीं होगा उस वक्त तक ये नहीं ऐड हो सकता, जब तक ऐड नहीं होगा तब तक स्टोर नहीं हो सकता। तो ये जो रीड आफ्टर राइट वाला जो हमारा केस है, ऑल दो इसमें हमने कोई भी हैजर्ड नहीं हैंडल किया हुआ, लेकिन हमें खुद उतना डिले तो डालना पड़ेगा। तो इसको फिर हमने कहा कि यार यूं तो ये काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमने पहली चीज़ की कि हमने अनरोल कर दिया उसको 4 टाइम्स, उससे हमें ठीक सा गेन मिल गया कि अब हम
जो एक आइट्रेशन है उसमें चार चीज़ों को ऐड कर रही हैं, चार चीज़ों को लोड कर रही हैं, चार चीज़ों को स्टोर कर रही हैं। तो ये लूप अनरोलिंग से थोड़ा बहुत गेन मिला। और फिर इसके बाद हमने सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग की। सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग में हमने इसको काफ़ी ज़्यादा फिल इन कर दिया, और अब जो हमारी कोर आइट्रेशन चल रही है उसमें चार चीज़ें लोड हो रही हैं, चार चीज़ें ऐड हो रही हैं और चार चीज़ें स्टोर हो रही हैं। लेकिन जो चीज़ लोड हो चुकी है वो ऐड हो रही है, लेकिन उससे अगले वाला लोड हो रहा है, जो ऐड हो चुका है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। और जब आइट्रेशन ख़त्म होगी तो उस वक्त कुछ आखिरी वाली चीज़ लोड हुई होगी, उससे पीछे वाली ऐड हो चुकी होगी और उससे पीछे वाली स्टोर हो चुकी होगी। तो जो ऐड हुई है उसको भी स्टोर करवाना है, जो लोड हुई है उसको भी ऐड भी करवाना है और स्टोर भी करवाना है। तो ये इस तरीके से कोड लिखा हुआ था। इससे हमें ठीक सा गेन मिल गया और अब हम काफ़ी मतलब हर साइकिल में एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं इस वाली इटरेशन। अच्छा, सो ये हमारा लास्ट टाइम तक का काम था, ठीक है। सो अगर हम इधर रोक के थोड़ा सा पीछे जाएं बजाय आगे जाने के, तो हम अभी जो हमने स्टार्ट किया था विद अ रिस्क प्रोसेसर, ठीक है। सो उसमें हमने खुद कुछ चॉइसेस ली थी, जो कि हमने कहा था कि इनको एज एज अभी रहने देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि भाई इतने रजिस्टर्स होंगे, जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसका मतलब है कि दो रजिस्टर्स को रीड कर रहे हैं, तीसरे पे राइट करवा रहे हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन एक वक्त में आएगी, इस किस्म के काम की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चनेबल थी कि मतलब वाई वन इंस्ट्रक्शन, वाई नॉट टू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वाई नॉट कि आप एक वक्त में एक ऐड करने के बजाय दो ऐड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब लेकिन हमने उस वक्त सिंप्लीफाइड चीज़ रखी। अब जो आगे के आर्किटेक्चर्स हम पढ़ना शुरू हुए, इसमें हमने उनमें से कुछ सिंप्लीफिकेशंस को ख़त्म करना शुरू कर दिया। सो सबसे पहली जो हमने ख़त्म की वो थी कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस वाली, कि हमने फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स डाले, कि हमने कहा कि ठीक है वेरिएबल लेटेंसी आ जाएगी उनकी। हमने कहा कि मेमरी सिस्टम भी वेरिएबल लेटेंसी वाला होगा। तो उसमें हमने स्कोर बोर्ड और टोमासुलो और फिर यूनिफाइड रजिस्टर फाइल, तीन अप्रोचेस पढ़े। अब आगे हमने दो तीन और चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ हम देखेंगे VLIW प्रोसेसर, जो कि देख चुके हैं किसी हद तक। इसमें हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, हमने कहा कि वाई नॉट हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में दे दें, जो कि फिक्स फंक्शनल यूनिट्स की हों और उसी के ऊपर मतलब हर इंस्ट्रक्शन में आपके पास चार चार इंस्ट्रक्शंस आ रही हों। अगर आपने कोई यूज़ करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें, ठीक। इसके आगे जाके हम फर्दर कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे कि वाई हम एक ही ये अज्यूम करें कि एक ही प्रोग्राम चल रहा है, ये क्यों ना अज्यूम करें कि दो थ्रेड पैरेलल में चल रहे हैं, ठीक है। सो पैरेलल में चल रहे हैं तो एक फंसे तो दूसरे को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, दूसरा फंसे तो पहले को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो वॉन्ट इट बी बेटर, या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम इसके बाद। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ एड्रेस करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं कि ऐड करो दो नंबर्स को, उसका मतलब अभी ये होता है कि भाई दो रजिस्टर्स को पकड़ो, उनको आपस में ऐड करके तीसरे में, वाई एक ही रजिस्टर हो, वाई नॉट पूरा वेक्टर हो, ठीक है। जिसको जब हम ऐड करें तो वो एक पूरे वेक्टर को रीड करे, वेक्टर में ऐड करे, वेक्टर में, उससे क्या होगा। तो उसके लिए हम वेक्टर प्रोसेसर्स फिर इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये हमारे मोर और लेस आई थिंक कि जो हमने प्रोसेसर्स की टाइप जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं वो मेन, ये वेक्टर प्रोसेसर नहीं है, ये VLIW प्रोसेसर है। इसमें इंस्ट्रक्शन बड़ी है, वेक्टर में इंस्ट्रक्शन छोटी सी है, ऐड वेक्टर V1 V2 V3 बस आपने ये कहा, ठीक है। सो आपने वो सिंपल एक असेंबली इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन उसका मीनिंग ये है कि आप पीछे से एक पूरा वेक्टर लोड करें, एक और वेक्टर लोड करें, उनको पूरे वेक्टर को पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करें और तीसरे वेक्टर में लगाओ। सो वो फिर एक डिफरेंट डायनामिक बन जाएगी, उसमें फिर आपकी इंस्ट्रक्शंस छोटी होंगी। इसमें हमने देखा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, मतलब एक छोटा सा काम करने के लिए इवेंचुअली ये पूरे का पूरी मेमोरी यूज़ हो रही है। सो कोड साइज इज़ अ कंसर्न हियर। इसी काम करने के लिए अगर हमने वेक्टर करना हो तो मे बी हम सिंपल एक लाइन लिखते थे, ये जो पूरा काम हमने किया है, हम कहते हैं कि जी एक वेक्टर के अंदर एक स्केलर ऐड करना है ना, तो अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन हो जो वेक्टर के अंदर स्केलर ऐड कर सके, तो आपने सिंपल ऐड स्केलर वेक्टर 1 सी वेक्टर 2 लिखा होता और बस दैट वाज इट। तो ये आपका कोड होता, तो हो सकता है ये पूरा काम आपका एक लाइन ऑफ कोड में हो जाता, या एट मैक्स आप पहले लोड वेक्टर करते और फिर ऐड करते और फिर स्टोर करवा देते,
ठीक है, और अगर वो वेक्टर की लेंथ बहुत बड़ी होती तब शायद हम उसमें भी लूप लगाते, तो वो वेक्टर वाली चीज हम इसके बाद देखेंगे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम स्टार्ट सिंपल केस से हुए और हमने बाकी वेरिएबल्स को नहीं रखा। हाँ जी, वेक्टर से हमारी मुराद होती है जो भी वन डायमेंशनल मैट्रिक्स होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जो जो टू डायमेंशनल होती है उसको हम वेक्टर मूवमेंट नहीं कह रहे, तो वेक्टर से मुराद होती है हमारी वन डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है। जिस तरह जो हमने वैसे नॉर्मल वेक्टर्स पढ़े होंगे कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो अब उसके तीन कंपोनेंट्स हैं ना, लेकिन आप वो के बाद उससे आगे मजीद कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वो दैट वो जितनी मर्जी डायमेंशन बना लें, ठीक है, तो उसी की जनरलाइज फॉर्म है जो हमने नॉर्मल। ओके, अब इस सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग से हमारा कुछ लूप शूप तो तेज हो गए, लेकिन लूप तेज करने के बावजूद अभी जो एक प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आपके कोड में ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस होती हैं तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कोड चलेगा, फिर कोई इफ एल्स आ जाएगा, इफ हुआ तो आप एक तरफ चले जाएंगे, एल्स हुआ दूसरी तरफ चले जाएंगे, फिर वो खत्म होगा तो आप फिर दोबारा किसी कुछ कोड चलेंगे, फिर कोई इफ आ जाएगा, फिर कोई एल्स आ जाएगा, ठीक। अब जो हमने कोड को अनरोल करना था उसमें जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें तो हम इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस निकाल के उनको पैरेलल में स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यही नहीं पता कि इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा या ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मतलब ये इसको अलहदा से हम थोड़ा सा पैरेलल बना सकते हैं, इसको अलहदा से बना सकते हैं, लेकिन ये अगर जितना बड़ा ब्लॉक हो उतना अच्छा है। मतलब वी एल आर डब्ल्यू में अगर बड़ा सा कोड हो तो आप उसमें से इंडिपेंडेंट ऑपरेशन उठा के पैरेलल में निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटे छोटे ब्लॉक हो तो हम ज्यादा पैरेललिज्म एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे इससे, और जब नहीं कर सकेंगे तो ओवरऑल जो हमने सारे फंक्शन यूनिट पैरेलल में लगाए उनका फायदा कोई नहीं, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को कि फिर जो ब्रांचेस की वजह से आपका ब्लॉक छोटे छोटे हो जाते हैं जिनको आप स्केड्यूल कर सकें, ये अब लिमिट कर रहा होता है आपके कह लो के जो हम ऑप्टिमाइजेशन अचीव कर सकते हैं इसके अंदर, उसको लिमिट कर होता है क्योंकि छोटा ब्लॉक है। और मतलब ऑब्वियसली कोड पे डिपेंड करता है, हो सकता है कोड में इफ एल्स ज्यादा हो, अगर इफ एल्स ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा नहीं इतनी। तो इसके लिए फिर मतलब लूप को तो हमने एनरोल कर लिया, ब्रांचेस अगर आ रही हैं तो फिर क्या करें। सो इसके लिए फिर एक फिशर का पेपर था जिन्होंने कुछ प्रोफाइलिंग करके देखा कि यार अमूमन कोड जो होता है ना उसका एक प्रेफर्ड पाथ होता है, ठीक है। कि यहाँ पे लेट्स मैंने खोला कि भाई फाइल ओपन की और फिर चेक किया कि यार अगर उसका पॉइंटर नल नहीं है तो ये काम करो, अगर पॉइंटर नल है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दो, और फिर उसके बाद कुछ और की कोई और एरर चेक लगाया, ठीक है। सो एक प्रेफर्ड पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन नॉर्मली होता है, जो दूसरा वाला पाथ है वो अमूमन कम हो रहा होता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा निकाल सकें कि ये वाली ब्रांच ज्यादा होने का चांस है या ये वाली ब्रांच ज्यादा होने का चांस है, लेकिन काफी सारी ब्रांचेस में आप शायद ये निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको कह देते हैं कि ये मेरा एक पूरा ट्रेस है, प्रोग्राम मोस्ट प्रोबेबली इस ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। सो प्रोग्राम अगर इस ऑर्डर में जाएगा तो हम इस पूरे बड़े ब्लॉक को स्केड्यूल करने की कोशिश करें, ना कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को, इसमें हम ज्यादा पैरेललिज्म एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये होगा कि मतलब ऑब्वियसली पहला मसला तो हल हो गया कि आप पूरा ट्रेस अगर स्केड्यूल करेंगे तो आप बड़े कोड को करेंगे तो आपने फास्ट कोड लिख लिया, लेकिन आपकी ये जो अजम्पशन थी कि ये इस तरफ जाएगा ये गलत भी हो सकती है, ठीक है। सो जो गलत अगर हो गई तो फिर आप उसका फिक्स अप कोड लिख लें, ठीक है, कि जो इधर किए ऑपरेशंस उसको अंडू कर दें, ठीक है। क्या आपको पता चला इस जगह पर जाके कि ब्रांच हो गई है तो मैं उतनी देर में तो चार पांच और चीजें ऐड कर चुका हूँ, तो देन एल्स में जाके उनको वापस अंडू कर दें, ठीक है। सो अंडू कर देंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो कम फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, यानी ज्यादातर इसी आप पाथ पे जा रहे हैं तो उससे कम फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 90% ऑफ द टाइम इधर ही जा रहे हैं तो 90% ऑफ द टाइम वाला केस फास्ट हो गया, वो जो 10% वाला केस था उसमें आपने जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके उसको फिक्स कर दिया जो भी आपने गलत किया। तो इसको कहते हैं ट्रेस स्केड्यूलिंग, के बजाय आप एक चीज को करें, एक छोटे छोटे ब्लॉक्स को करें, आप पूरे ट्रेस को स्केड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए अमूमन एक आपको स्टेप चाहिए होता है कि आप पहले कोड को प्रोफाइल करके देखें, उसको ड्रा में भी
सिमुलेट करके बार बार देखें कि कौन से इफ्स हैं जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट ऑकर होते हैं, ठीक है। सो उसकी बेस पे फिर आप उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे कौन सा इफ एल्स जो है ना उसमें ज़्यादा होने की चांस किसके। अगर एक क्लियरली बेहतर है दूसरे के तब तो ये ट्रेस बनता है, अगर क्लियरली बेहतर नहीं है फिर क्या करें। मतलब हो सकता है कि आप प्रोफाइलिंग करें तो पता चले 50% प्रोबेबिलिटी इस तरफ जाने की, 50% इस तरफ की, तो क्या करें, उस पर भी हम अभी आते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो हमारा वी एल आई डब्ल्यू है इसको बात करते क्लासिक वी एल आई डब्ल्यू कहते हैं, क्योंकि इसके बाद इसके कुछ वेरियंट्स भी आ गए हुए हैं। पहली चीज़ ये है कि ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। सो ये अमूमन जनरल पर्पस प्रोसेसर्स में नहीं चल सका, यानी कि आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो अभी तक वी एल आई डब्ल्यू नहीं हुए, ठीक है। वी एल आई डब्ल्यू डी एस पी मार्केट में तो चलता रहा, इसमें नहीं आया। उसकी एक वजह क्या है, ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी, कि आपको नया वर्जन आया है उसके लिए सब कुछ रिकम्पाइल करना पड़ेगा, रिकम्पाइल करके नई एग्जी बनेगी, नई एग्जीक्यूटेबल होगी, वो उस पर चल सकेगी, अदरवाइज वो नहीं चल सकेगी, क्योंकि हर वी एल आई डब्ल्यू का फिर आर्किटेक्चर में फ़र्क आ जाएगा। जबकि सुपर स्केलर्स में क्योंकि हार्डवेयर खुद से डिटरमिन कर रहा था, तो हम तो बेशक वो हमने देखा था कि अगर पीछे आर्किटेक्चरल रजिस्टर 6 भी हैं या 7 भी हैं तो हम आगे ज़्यादा फिजिकल रजिस्टर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर खुद ही उनको रीनेम कर देता है, ठीक है। लेकिन ये काम अब इधर नहीं हो रहा, इधर आप करेंगे तो इधर आपको जो आपने सॉफ्टवेयर लेट से सी में लिखा था और उससे एग्जीक्यूटेबल बनाई थी, तो आप दोबारा उससे एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि अच्छा ये वाली जो मशीन है अगर नया वर्जन आपने लिया है तो आपका वो पिछले ऑफिस की सीडी नहीं चलेगी, ये नई वाली मतलब ये वाले का। इसीलिए ये ज़्यादातर डेडिकेटेड जॉब्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जो सिग्नल प्रोसेसिंग के ज़्यादातर कामों में यूज। ऑब्जेक्ट कोड साइज एक और इशू है, क्योंकि बहुत सारे नो ऑप्स मारे जा रहे थे, ठीक है। हमने पूरा फिल इन नहीं कर सके थे, हमने इवन जब अनरोल भी कर लिया था तो बहुत सारी जगह खाली जा रही है, तो वो खाली जगह जो है वो आप नो ऑप से फिल करेंगे और नो ऑप्स बहुत सारा वेस्ट करेंगे। ना सिर्फ नो ऑप्स बल्कि लूप अनरोलिंग और सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग से खुद भी जो छोटा सा कोड था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, तो जब आप उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए पहले ही कोड को बड़ा कर लिया, स्टिल बहुत से नो ऑप्स भी हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट कोड का साइज जो है ना, यानी कि जो एग्जीक्यूटेबल है उसका साइज काफ़ी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू जो हमारे कह लो कि जनरल पर्पस प्रोसेसर या सुपर स्केलर प्रोसेसर में होता था। ये आज के दौर में उतना बड़ा कंसर्न नहीं रहा, ये आज से कुछ अर्सा पहले काफ़ी बड़ा कंसर्न था, ठीक है। कि जब आपकी मेमोरीज अभी के बीज में होती थी, एम बीज में होती थी, तो वहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन वाज एन एक्टिव रिसर्च टॉपिक जिस पे लोग काम करते थे कि अच्छा छोटा से छोटा इस्तेमाल हो सके। अब क्योंकि मेमोरी के साइजेस जो हैं वो इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं रहे, तो इसलिए ये उतना बड़ा इशू नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट कोड साइज कितना बड़ा होगा। स्केजुलिंग वेरिएबल लेटेंसी मेमोरी ऑपरेशंस, दूसरा मसला ये है कि अभी हमने इसमें ज्यूम किया था कि लोड इतना टाइम लेगा, ऐड इतना टाइम लेगा, मल्टीप्लाई इतना टाइम लेगा, लेकिन अगर आपकी कैश वगैरह लगी हुई है इसके अंदर तो उसमें आप ये ज्यूम नहीं कर सकते कि इतना टाइम लेगा, ठीक है। क्योंकि कैश में अनप्रडिक्टेबल है कि कितना टाइम लेगा, ठीक है। हो सकता है कैश में से, हो सकता है कैश इट, और यू कैंट से फॉर श्योर कितना टाइम ही लेगा। तो उसकी वजह से फिर आपके जो आप अज्यूम कर रहे थे कि लोड हो चुका होगा और मैं ऐड करूंगा, हो सकता है वो कैश में सो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे, तो उसको हैंडल करना एक इशू। फिर नोइंग ब्रांच प्रोबेबिलिटीज, तो अभी हमने ट्रेस स्केजुलिंग में देखा कि हमें अगर पता हो प्रोबेबिलिटी, लेकिन आपने एक्चुअल में अगर अभी सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं किया तो आपको मतलब कितना पता चल सकता है कितनी सर्टेनिटी से कि ब्रांच की ये इस साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या दूसरे साइड साइड की। ये आप काइंड ऑफ एक तो आपको पहले प्रोफाइलिंग किसी तरह करनी पड़ेगी, मे बी किसी सिमुलेटर पे या उस पर चला के, या उसका पहले एक और वर्जन निकालें और उस पर पहले प्रोफाइल करें और बाद में देखें उसको इसके अंदर ऐड करें, ठीक है। तो वो एक मुश्किल स्टेप बन जाएगा। इसके बजाय जो सुपर स्केलर था उसमें ब्रांच प्रेडिक्टर लगा होता था जो रन टाइम पे प्रेडिक्ट कर लेता था, ठीक है। तो ये रन टाइम पे तो नहीं कर रहा, ये तो कंपाइल टाइम पे करना है। तो जब इसमें भी उसी तरह है कि
इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी, लेकिन आप बड़ी सी इंस्ट्रक्शन फैच होगी. सो फैच में आप समझो कि मेमोरी की विड्थ बढ़ गई है, उससे एक बड़ी इंस्ट्रक्शन फैच हुई. अब वो नहीं होंगे ना, क्योंकि अब हम ब्रांच के लिए हार्डवेयर में कुछ नहीं डाल रहे, हम कह रहे हैं कि वो पहले से बताया हुआ होगा कि ये वाला पाथ है, उसको ऑलरेडी स्केड्यूल किया होगा. और अगर वो गलत हुई ब्रांच, जी जी, हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है उनको इसी तरह रिलीज करना है. अगर आपको पहले से नोन है कि हर चीज पे कितना कितना टाइम लग रहा है, तो आप उतनी देर के बाद ही कर रहे हैं ना. अब हमने जो लोड रखा था उसके उतनी देर बाद ऐड किया और उसके उतनी देर बाद स्टोर किया, ठीक है. तो हमने इंस्ट्रक्शन लिखते हुए ये चीज इंश्योर की. हाँ, किसी हद तक जरूरी नहीं होता. इसकी वजह ये है कि आजकल अच्छे कंपाइलर आ गए हुए, मतलब आप अगर कोड कंपोजर स्टूडियो यूज़ करें तो हो सकता है आप सी में प्रोग्राम करते हुए सी में प्रोग्राम नॉर्मली लिखें और ये वाले काम आपके लिए कंपाइलर कर ले, कि उसको पता है, उसको आपने सेलेक्ट किया कि भाई मैंने इस आर्किटेक्चर पे चलाना है, वो उसके हिसाब से कंपाइल करके आपको एग्जी बना देगा उसके लिए. बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो आप हम पर डिपेंड करते हैं क्या करना चाह रही, मतलब हाँ नॉर्मली आप कोई लैंग्वेज होगी जनरली सी होती है जिसमें हम कर रहे होते हैं, वो कोड करके आप उसको मतलब सिर्फ फर्क ये है कि आप विजुअल स्टूडियो के बजाय कोड कंपोजर स्टूडियो में चले जाएंगे और उसमें आप हाँ नॉर्मली इसके लिए जो जो कंपनी अपना दे रही है प्रोसेसर वो उस मतलब अमूमन इन कंपनियों के अंदर कंपाइलर का ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है, जो कि मतलब जो इसी चीज़ पे फोकस होता है कि कैसे यूज़र के लिए ऑटोमेट किया जा सके, कि आम बंदा जो है ना वो सी में ही कोड लिखे और बाकी के काम हम खुद ही कर लें, ठीक है. तो इसका कंपाइलर लिखना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जो सुपर स्केलर था, ठीक. तो सो मेनली ये वाले जो जो आपके लूप अनरोलिंग और ये किसी हद तक जो है ना ये आपके कंपाइलर कर जाएगा. तो मतलब अगर आपने प्रैक्टिकली काम करना है तो हो सकता है आप एट स्टार्ट सी में कोड लिख के उस पर कंपाइल करें और वो आपके लिए काफ़ी हो. मसला तब बनेगा जब वो काफ़ी नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं वाकई ऑप्टिमल कोड लिखना चाहूँ, ठीक है. वाकई ऑप्टिमल से मुराद ये, मैं कई दफ़ा आपको जो वो काफ़ी होगा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये ना काफ़ी हो. मतलब मैंने देखा है कि अक्सर जो हम प्रॉब्लम चाह रहे होते हैं उसका एक इजी वे अराउंड होता है, लेकिन कभी कभी मिसाल के तौर पर मैं एक लाइब्रेरी बिल्ड कर रहा हूँ जिसका मकसद ही ये है कि वो ऑप्टिमली चले, जिस तरह मैं कोडेक लिख रहा हूँ, कोई स्पीच कंप्रेशन का कोड लिख रहा हूँ लेट से, ठीक है. और मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्पीच कंप्रेशन का कोड ही कंप्रेशन डीकंप्रेशन का कोड ही सेल करूँगा, तो तब हो सकता है कि मैं या वीडियो कंप्रेशन डीकंप्रेशन का है और वो मैं किसी डीएसपी प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहा हूँ जो मे बी किसी टीवी में एम्बेड हुआ हुआ है एवेंचुअली, ठीक है. तो शायद प्रॉब्ली उसको मैं हाईएस्ट लेवल पे ऑप्टिमाइज करना चाहूँगा, क्योंकि ये कंप्यूटेशन इंटेंसिव प्रॉब्लम भी है और इसको मैं एज फास्ट एज पॉसिबल भी करना चाहूँगा. तो तब हो सकता है कि मैं जब उसको सी में कंपाइल करूँ तो वो टाइमिंग उस तरह से मीट ना कर पा रहा हो कि रियल टाइम रिक्वायरमेंट, अगर मेरी रियल टाइम रिक्वायरमेंट है कुछ, तो वहाँ पर फिर मुझे एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए और उसके हिसाब से फिर मैं जो कोड्स हैं उनको देखूँगा, कहाँ पर मैं लूप अनरोलिंग कर सकता हूँ, कहाँ पर कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसको मैं पैरेलल में कर सकता हूँ, तो वो हेल्प करे. ओके, सो और आखिरी मसला स्केड्यूलिंग फॉर स्टैटिकली अनप्रेडिक्टेबल ब्रांचेस, ठीक है. कि जब आप ब्रांच की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, एक तो प्रोफाइलिंग करके आपको बास ब्रांचेस का तो पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा लाइकली है ये कम लाइकली है, लेकिन हो सकता है कुछ ब्रांचेस हों जो अराउंड 50-50 आ रही हो जिनकी प्रोबेबिलिटी, उनके साथ क्या करेंगे. ओके, सो अब ये जो इनके प्रॉब्लम्स हैं जो क्लासिक VLAW में थे उनको कैसे हल किया जा सकता है, ठीक है. सो पहला है कि जी कि आप इंस्ट्रक्शन को इनकोड कर सकते हैं, इससे आपका उसका साइज थोड़ा छोटा, जो एक पहला मसला था ना कि ऑब्जेक्ट कोड का साइज काफ़ी बड़ा है, उसको किसी तरह हल किया जा सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंप्रेस्ड रखें, कि अगर उसमें आपकी
मतलब आप दो तीन तरह की लेट्स इंस्ट्रक्शन बना दें, एक हो कि भाई मतलब ऑब्वियसली फिर आपको कोई टाइप की फील्ड रखनी पड़ेगी बीच के अंदर, ठीक है, कि अगर टाइप जीरो इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब है ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, टाइप वन है तो इसका मतलब है ये तीन चार इंस्ट्रक्शन है, टाइप टू का मतलब है कि उससे भी बड़ी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो तब लेकिन अब जब आप इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे होंगे तब आपको वो टाइप की बिट्स को देख के आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी, यानी कि इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड वाला जो काम था ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन मेमोरी कम लगेगी, ठीक है। यानी कि आप नहीं लेट से मेमोरी से आप इकट्ठे 32 बिट पढ़ते हैं लेकिन हो सकता है उसकी पहली 8 बिट में इंस्ट्रक्शन हो, या मेमोरी से आप लेट से ये वी एल आर डब्ल्यू है तो लेट से आप मेमोरी से पूरे 128 बिट पढ़ते हैं जिसमें 8 इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं, जिसमें हो सकता है 3 इंस्ट्रक्शन हो जो कि छोटी हों या 4 इंस्ट्रक्शन हो जो बहुत ही छोटी हों, तो वो टाइप से पता चलेगा, ठीक है। तो उस तरह हम ग्रुपिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आपका जो मेमोरी में कंप्रेस फॉर्मेट होगा जब आप उसको फेच करेंगे तो डीकंप्रेस करेंगे बेस्ड ऑन जो भी आपने टाइप की फील्ड की होगी, ठीक। सो ये वाला जो है ये यूज होता है, मल्टी फ्लो ट्रेस जो है ये भी एक प्रोसेसर है उसके अंदर भी यूज होता है, ये 6X में भी, C6X जो TI का DSP उसमें भी यूज होता है, इंटेल के भी जो आइटेनियम प्रोसेसर उसमें भी यूज होता है, ठीक है। और फिर ये जो सिड्रा 5 है इसके अंदर आप, इसमें इन्होंने अलहदा से एक सिंगल ऑपरेशन भी रखा हुआ है कि अगर आपने सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन चलानी है बजाय 8K या 6K जितनी भी करनी तो आप वो सिंगल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो उससे बहुत सारे नोब्स बच जाते हैं, ठीक है। सो इंटेल के जो प्रोसेसर हैं ना उनमें वैसे बाज़कात जिसको हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, वो भी तकरीबन यही काम कर रही होती हैं। उसमें आप सेम इंस्ट्रक्शन सेट में जिस पे आप ये कर सकते हैं कि भाई बजाय 2 32 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने के आप 4 16 16 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या 8 8 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं एपिक एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, जो कि बेसिकली VLIW ही का एक दूसरा नाम है इन सिस्क प्रोसेसर्स कह लें, ठीक है। करते क्या हैं कि एक मिनट इसकी, हाँ ये बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन, ये मतलब इनका एटेनियम जो प्रोसेसर था ये कुछ है कि भाई पहले इनिशियली जो था वो 97 में रिलीज होना था, फिर 2001 में हुआ, फिर दूसरा इम्प्लीमेंटेशन 2002 में आई, अब जो लेटेस्ट है वो 2011 में अनाउंस हुआ, शायद उसके बाद भी आ गया क्योंकि स्लाइड्स 2012 की हैं तो प्रॉब्ली हो सकता है इसके बाद भी आ गया, जिसके अंदर जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें 8 कोर्स हैं और एक सिंगल साइकिल की 16 किलोबाइट्स की L1 इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैश है, फिर 9 साइकिल की L2 कैश है जो कि 512 किलोबाइट्स की है, 8 साइकिल की L2 डाटा कैश है, 32 MB की L3 कैश है जो शेयर्ड है इंस्ट्रक्शन और डाटा में, इन दोनों में आपके जो है इंस्ट्रक्शन और डाटा L1 में भी अलग है L2 में भी अलग है, और फिर आपकी जो कोर्स है ना वो 2-वे मल्टी थ्रेडेड है, मल्टी थ्रेडिंग हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 8 कोर्स है, 6 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल फेच है, ठीक है। सो यानी कि काइंड ऑफ आपकी जो इकट्ठी इंस्ट्रक्शन आ रही है वो 16 हैं और उसमें आपके अप टू 12 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है जी। बेसिकली क्योंकि 6 6 इंस्ट्रक्शन हम इकट्ठी फेच कर रहे हैं ना, ये वैसे इनके सर्वर्स में शायद यूज होता होगा, ये मतलब जनरल आम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में नहीं है ये। सो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका एक टेम्पलेट बिट्स जो है ना, आपका एक ग्रुप होता है 128 बिट का, ठीक है, उसमें कुछ बिट्स होती हैं टेम्पलेट्स की जो बताती हैं कि इसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं और मतलब के ग्रुप के टाइप क्या है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक। और जो लेट से कि इस टेम्पलेट ने बताया कि भाई ये इतने साइज का ग्रुप है और इसके अंदर इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो
अब वो जो इंस्ट्रक्शन है ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। फिर इस जब ये खत्म होगी तो इससे आगे वाले के टेम्पलेट की बिट्स आ जाएंगी, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि उसका साइज कितना है और वो फिर पैरेलल में एग्जीक्यूट। सो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन जो है हो सकता है कि एक ग्रुप छोटा हो, एक ग्रुप बड़ा हो, एक ग्रुप और बड़ा हो, तो ये आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना वो उसके हिसाब से वेरी करती थी। सो जो हमने काम किया था ना कि हम वो जो एक पूरा इंस्ट्रक्शन फिल इन कर रहे थे लूप अन रोलिंग में, सो अब उसमें जो नो ऑप आ रहे थे, नो ऑप के बजाय आप कह सकते हो कि भाई मैंने डिफरेंट टेम्पलेट की इंस्ट्रक्शन भेज दी। अगर आपने सिर्फ एक ही काम करना था उसके अंदर तो आपने कोई और टेम्पलेट डाल दी, अगर सारे फंक्शनल यूनिट यूज नहीं हो रहे थे। सो इसके अंदर 128 जनरल पर्पस 64 बिट इंटीजर रजिस्टर्स हैं, 128 जनरल पर्पस फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, ठीक है, 64 वन बिट प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं। प्रेडिकेट रजिस्टर्स हम अभी पढ़ेंगे कि क्या करते हैं। प्रेडिकेशन जो है ना ये ब्रांचेस में ये भी यूज होती है, एक ब्रांच प्रेडिक्शन होती है, एक ब्रांच प्रेडिकेशन होती है। जो प्रेडिकेशन है वो हम पढ़ेंगे क्या होता है। और फिर इसके अलावा इसमें एक और फीचर ये था कि जीपीआर जो है रोटेट टू रिड्यूस कोड साइज फॉर सॉफ्टवेयर पाइपलाइन। जीपीआर रोटेशन क्या होती है, रजिस्टर रोटेशन ये होती है कि आप ना ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर सकें किसी ऑफसेट के साथ रजिस्टर्स को। मिसाल के तौर पर आपने फिल्टर करना है, फिल्टर करना है तो इसका मतलब है डीएसपी में आपने फिल्टर्स पढ़े होंगे क्या होते हैं, ठीक है। फिल्टर क्या है कि भाई लेट से कि ये मेरे पास कुछ सैंपल्स आ रहे हैं और मेरे पास जिसके साथ इन्वॉल्व करना है या फिल्टर करना है वो कोई और, तो मैंने इसको पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना है, ठीक है, इस तरह। और अगली दफ़ा मैं चाहूँगा कि ये पहले के बजाय दूसरे से मल्टीप्लाई और हो, यानी कि एक स्लाइड कर जाए आगे, ठीक है। हाँ, तो अब अगर मैंने लेट से वो इधर एक सिग्नल को लोड किया हुआ कहीं पर, ठीक है, तो ये मेरे लट से टैप्स है, तो मैं चाहूंगा कि ऑटोमेटिकली जब मैं अगली एट्रेशन में सेम जगह पे आऊं तो ये जीरो जो है ना वो वन बन जाए, वन जो है वो टू बन जाए, टू थ्री बन जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जनरल पर्पज रोटेशन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपने कोड सेम ही लिखा है, आप सेम रजिस्टर को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अगली दफा रोटेट होके अगले पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर रोटेशन, जिसमें आप ऑफसेट मूवमेंट चेंज कर सकते हैं कि कितना आगे जाना है, ठीक। तो एक आगे जाना है, दो आगे जाना है, तीन आगे जाना है, ये आप मूवमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये मूवमेंट एक फीचर होता है डीएसपी प्रोसेसर्स में, इसका फायदा हो जाता है कि आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कम हो जाती हैं और थोड़ा सा हार्डवेयर में आप इसके लिए डाल देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रेडिकेशन पे। अब मसला जो था वो एक ये था कि हमारी ब्रांच जो, अगर तो हम कोई ट्रेस आइडेंटिफाई कर लें तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन ट्रेस के अलावा बीच में कुछ ब्रांचेस ऐसी आएंगी जिसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साइड पे जाएंगे या उस साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका हो सकता है इक्वल चांस हो या डिटरमिन करना पॉसिबल ना हो, डिफरेंट यूज केसेस बनते हो, ठीक है। सो जो आपकी प्रेडिक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, उनको आप कंडीशनली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। कंडीशनली एग्जीक्यूट क्या होता है कि आप पैरेलल में दोनों ब्रांच पाथ्स को एग्जीक्यूट करवा देते, लेकिन वो कंडीशनली करते हैं, यानी आप एक कंडीशन के ऊपर एक रजिस्टर को सेट करते हैं, उसके फॉल्स होने पर दूसरे को सेट कर देते हैं, ठीक है। सो जब भी वो कंडीशन ट्रू कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो दो रजिस्टर सेट होगी, एक ट्रू और एक फॉल्स, और आप पैरेलल में दोनों इफ और एल्स वाले पाथ्स चला देते हैं। एक इस कंडीशन पे चल रहा होता है कि अगर ये रजिस्टर सेट है तो मैं चलूंगा, दूसरा दूसरे रजिस्टर के सेट होने पर चलेगा, तो उनमें से क्योंकि एक ही सेट होगा तो दोनों के दोनों चलेंगे नहीं, ठीक है। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, उससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी इंस्ट्रक्शन थी कि मैंने चेक किया कि यार अगर तो ए इज इक्वल इक्वल टू बी आता है तो बी टू पे जंप कर जो और ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, नहीं आता एल्स तो इधर ही रहो, ठीक है। ऑब्वियसली एल्स जब खत्म होगा तो आप जंप करके इफ वाले पार्ट से आगे जाना चाहिए। So, अगर मैंने इसको प्रेडिकेशन पे चलाना है तो मैं असल में क्या चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर ए इक्वल इक्वल टू बी है तो ये चल जाए वरना ये चल जाए, ठीक है। तो मैं कर ये सकता हूँ कि इन दोनों को पैरेलल में चला दूं, लेकिन इसकी प्री कंडीशन रख लूं कि अगर ये ट्रू है तो ये चले और इसकी प्री कंडीशन रख लूं कि ये फॉल्स है तो चले, प्रेडिकेशन। हाँ, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेशन। सो ये जो कोड है ना ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यार ए और बी को कंपेयर करो और उस पर पी वन और पी टू को सेट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर P1 ट्रू हुआ तो ये चल जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर A और इक्वल इक्वल टू B है तो P1 सेट कर दो
अगर नहीं है तो पी टू को सेट कर दो, ठीक है। सो अब ये पैरेलल में हमने कोड कर दिया कि ये वाली इंस्ट्रक्शन भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, लेकिन ये कंडीशनल टू पी टू चल रही है कि अगर पी टू वन है तो ये राइट बैक होगी, अगर पी टू जीरो है तो ये राइट बैक नहीं होगी। इसी तरह अगर पी वन वन है तो ये राइट बैक होगी, जीरो है तो ये राइट बैक नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई आपकी ब्रांच जो थी जिसमें आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि ये चलनी है ये चलनी है, उसको आप प्रेडिक्ट के बजाय प्रेडिकेट कर दें, ठीक है, कि आप उसको कह दें। ऑब्वियसली इसमें आधे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आप उस केस में कह रहे हैं जिस वक्त आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी ब्रांच ज़्यादा होने का चांस है, ठीक। सो ये चीज़ समझ आई, मतलब सिंपल फ़ायदा ये हुआ कि आपने पैरेलल में स्केड्यूल कर दी ना, मतलब आपको, हाँ, मतलब अब अगर आप, मैं इसके बजाय इसको सीरियली स्केड्यूल करता तो वो ज़्यादा टाइम लेना था उसने, ठीक है, इसके बजाय मैंने पैरेलल में इसको स्केड्यूल कर दिया है तो अब ये कम टाइम ले रहा होगा। हाँ, मतलब आपने इनको ब्रांच के ऊपर, मतलब ये राइट बैक जो होगी ये उस प्रेडिकेट पे हो रही होगी, तो आप इनको पैरेलल में साथ ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ना कि पहले पिछले रिजल्ट का इंतजार करें और उसके बाद आगे। सो प्रेडिकेशन फिट इन कहाँ पे होगी? बेसिकली आप समझो कि जो आपका राइट बैक है ना, मतलब आप राइट बैक के ऊपर इसको फिट इन कर सकते हैं कि राइट बैक तब ही हो जब आपका प्रेडिकेट ट्रू है, अदरवाइज नो। अच्छा, एक और चीज जो है ना वो वो है स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने, अगर ये ट्रू हो तो आपने यहां पर जाना था, अदरवाइज कहीं और जाना था। अब ये लोड अमूमन आपका जो है ना ये टाइम लेता है, ठीक है, तो लोड अगर हम पहले स्केड्यूल कर दें तो ये ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है, लेकिन हम, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कंडीशन ट्रू हुई है या नहीं, तो हम लोड भी कई दफा नहीं करते। तो उसको क्या हल करने का तरीका है? उसको हल करने का तरीका है कि आप स्पेकुलेटिव, नहीं, प्रेडिकेट नहीं सॉल्व करेगा, इसको करेगा स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन। वो क्या करती है स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन? ये है कि आप, मतलब लोड पे असल में एक्सेप्शन आ सकती थी, तो अगर मैं इसको पहले कर देता हो सकता है उस पर एक्सेप्शन आ जाती, लेकिन असल में तो ये इससे बाद होना था ना। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको स्पेकुलेटिवली पहले ले देते हैं, जिस एक, मतलब आप स्पेकुलेटिव इंस्ट्रक्शन सपोर्ट बीच में करते हैं कि यार इसको स्पेकुलेटिवली लोड कर लो, अगर ये गलत हुआ तो इस पर एक्सेप्शन कॉज नहीं होगी, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि ये उसको यूज नहीं कर रहा ना, ये उससे इंडिपेंडेंट है, आपने अगर ये ट्रू हुआ तो आपने कोई वेरिएबल लोड करके कुछ करो, ठीक। प्रेडिकेट करना और चीज थी, प्रेडिकेट में था कि अगर दो चीजें पैरेलल में चलानी है, इसमें अगर इसका एल्स पाथ है उसको आप प्रेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने एक, मतलब ये हम एक दूसरी चीज बता रहे हैं कि ये लोड हम पहले इसलिए नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि, मतलब वी आर इंटरेस्टेड कि लोड अगर पहले हो सकता है तो हो जाए, ठीक है। अगर लोड हम पहले कर लेना तो, क्योंकि कई दफा लोड होने में टाइम लगता होता है और उसकी वजह से इंस्ट्रक्शन वेट कर रही होती है, तो लोड अगर हम पीछे स्केड्यूल कर सकें तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। अगर ये ब्रांच ना होती और ये सीधा सीधा लिखा होता ना, तो आप लोड को उठा के ऊपर ले जाते ताकि लोड को जहां पर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान आपको डिले डालना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर आप यूज कर रहे हैं, यहां पर आप लोड कर रहे हैं, ठीक है। सो वो डिले आप डाल सकते थे अगर मैं लोड को दो इंस्ट्रक्शन पीछे ले जाता, ठीक है, पीछे, अगर ये ब्रांच ना होती तो दो इंस्ट्रक्शन पीछे ले जाता, लोड के दो साइकिल बाद तक ये लोड हो चुका होना चाहिए था, तो ये नो ऑप्स इस जगह पर नहीं डालने थे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको इसी तरह चलाऊं तो मुझे इस जगह पर नो ऑप डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो जो नो ऑप डालने, उसको अवॉइड किया जा सकता था कि मैं ऊपर ले जाऊं, लेकिन ब्रांच की वजह से ऊपर नहीं लेके जा सकता था। ब्रांच ऊपर ले जाऊंगा तो मसला ये है कि हो सकता है इस लोड में कोई गलत एड्रेस ही हो, ठीक है, या इस पे, मतलब एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप उसके लिए इसके अंदर अमूमन होती है स्पेकुलेटिव इंस्ट्रक्शन। स्पेकुलेटिव इंस्ट्रक्शन क्या करती हैं कि वो एक्सेप्शन नहीं देती, अलबत्ता एक अंदर ही आपने पॉइजन बिट रखी होती है जो सेट कर देते हैं कि ये एक्सेप्शन कॉजिंग है, लेकिन आप एक्सेप्शन कॉज ना करो, ठीक है, तो वो बिट सेट कर देते हैं सिर्फ। तो उससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर स्पेकुलेटिवली लोड कर लिया, अगर तो ये पॉइजन बिट इसकी सेट नहीं हुई, ठीक है, तो आप इसको यूज कर लो, तो आपको वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर पॉइजन बिट सेट हुई हुई थी तो तब आप इसकी इधर एक्सेप्शन रेज कर दो,
ठीक है, और एक्सेप्शन का हैंडलर कॉल कर लो, ठीक। तो इस तरह स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन की बेस पे आप क्या कर सकते हो कि वो थोड़ा सा स्पीड अप गेन कर सकते हो। ये जो ये बड़ी कॉमन सी ऑप्टिमाइजेशन होती है कोड में, अगर आपको कोई कहे कोड को ऑप्टिमाइज करो, तो नॉर्मली अगर आप लोड सारे स्टार्ट में ले जाए तो उससे ये इंश्योर हो जाता है कि पहले लोड ने जब यूज होने उस वक्त तक मतलब दरमियान में नो ऑप नहीं डालने पड़ेंगे। जिस तरह मैंने शुरू पहली असाइनमेंट में शायद आपको एक कोड दिया था जिसको ऑप्टिमाइज लिखना था, या पेपर में भी आया था, उसमें भी अगर हम सारे लोड शुरू में मूव करते थे तो काफी हद तक कोड ऑप्टिमाइज हो जाना था, ठीक। तो ये लोड पहले करना जो है ना, ये हमें अक्सर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन सी में आपको ये नहीं पता चलेगा, ये आपके पीछे या कंपाइलर करेगा या आप जी जी ये आपका जो कंपाइलर है उस पर आपको या तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको कंपाइलर के जनरेटेड एग्जी आपकी टाइमिंग रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही तो फिर आपको असेंबली में कूदना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक मेजर डिसीजन होगा, क्योंकि असेंबली में जाके ऑप्टिमाइज करना इज अ डिफरेंट। नॉर्मली वैसे डीएसपी की दुनिया में अब ये वाली वैसे मैंने देखा है कि थोड़ा सा कम हो गई है डीएसपी की मार्केट। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में वजह ये है कि जो आपके ओवरऑल, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर यूनिट एरिया बढ़ते जा रहे थे, तो अब अक्सर आपके जो रिस्क प्रोसेसर्स भी थे, या जिस तरह आम है उसके साथ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप आराम से उसी के ऊपर कोड लिख के उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ हो गई है कि आप बहुत सारे काम उसी के ऊपर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जनरल पर्पस प्रोसेसर्स भी इतने तेज़ हो गए कि मैंने अच्छे भले तगड़े सिस्टम्स जो हैं वो देखा है कि वो एंड पे उसके अंदर जनरल पर्पस प्रोसेसर लगा होता है और उसी के ऊपर ही काम कर लेते हैं, ठीक है। उस ईज आ जाती है ना, आप सिंपल आसानी से कोड लिख कर चला लिया, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चला लिया उसके ऊपर और काम कर लिया, ठीक। तो डीएसपी की मार्केट मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक थोड़ी कम हो गई है। और दूसरा ये कि किसी हद तक ये आप जिस तरह ये डीएसपी प्रोसेसर नहीं है असल में, लेकिन मतलब आप जिस तरह इंटेल वालों ने उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस की सपोर्ट डाल दी, ठीक है, जो मल्टीमीडिया एक्सटेंशन हैं वो भी तकरीबन ये वाला काम कर रही होती हैं जो ये कर रहा होता, तो उससे ऑटोमेटिकली किसी हद तक ऑप्टिमाइजेशन उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो डीएसपी की अब मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई नए वेरिएंट मैंने ज़्यादा सुने हो कि डीएसपी के आए हैं। ज़्यादातर जो है ना वो या बिल्कुल ही एफपीजीए सेट आ गई है, या फिर डीएसपी या जनरल पर्पस या रिस्क प्रोसेसर्स आ गए एम्बेडेड में, और या उनका कम्बिनेशन आ गया जिसके एफपीजीए के ऊपर ही रिस्क कोर लगी हुई हो और आप उस पर काम कर लें। हाँ, अब जिस तरह आम के जो प्रोसेसर हैं उनके साथ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट लग जाते हैं, लगे होते हैं बल्कि उसके अंदर वहाँ, मतलब ऑब्वियसली वो उतने फास्ट नहीं होते होंगे, लेकिन सपोर्ट है, यानी कि आप सी कोड नॉर्मल लिखा हो जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज हो रहे हो तो यू कैन पोर्ट इट ऑन आर्म प्रोसेसर। अच्छा, ओके। आपके जो सेकेंडली, इसी तरह आपके हमने ये जो लोड स्टोर में ये पढ़ा था कि भाई स्टोर के बाद अगर लोड आ रहा हो तो हो सकता है कि स्टोर का एड्रेस वही निकले जो लोड का एड्रेस था, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि ये इन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो जो सुपर स्केलर था उसमें तो हमने कह दिया था कि स्टोर स्पेकुलेटिवली बफर के अंदर आप कर देते हैं और लोड उस बफर में चेक कर लेता है, लेकिन इसके अंदर इस तरह नहीं है। तो इसके अंदर फिर यही जो हमने स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन की थी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इधर R1 को लोड करें लेकिन इसके साथ ही इसके एड्रेस को एड्रेस चेक टेबल में डाल दें, ठीक है। और अगर बाद में स्टोर जो है ना उसका एड्रेस जो एड्रेस चेक टेबल में से किसी से मैच हो जाता है, ठीक है, तो आप उस लोड को इनवैलिडेट कर लें, ठीक है। अगर वो इनवैलिडेट नहीं हुआ तो उसको यूज कर लें, अगर इनवैलिडेट हुआ तो ये चेक फेल हो जाएगा और आपको दोबारा लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्टोर का अगर एड्रेस डिफरेंट है तो आप ठीक चलते रहेंगे, लेकिन जब ये सेम अगर कभी एड्रेस आ गया तो आपको तब आप रुक जाएंगे, ठीक है, ठीक है।
अच्छा, मैंने इससे पीछे क्या एक स्लाइड छोड़ दी थी, इसके अंदर सिम डी वाला नहीं आया वो आगे? एक मिनट मैं ज़रा भगा के देख लूँ, सिम डी वाला कहाँ है? हाँ वो वेक्टर में आएगा, ठीक है, मेरे जहन में वो इधर होना था। ओके सो ये खैर छोटे छोटे से हमने तीन चार और ऑप्टिमाइजेशन देख ली, ठीक है। स्टैटिक स्केजुलिंग की वजह से इसकी लिमिट्स क्या है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक स्केजुलिंग जो इसमें करते हैं। स्टैटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे करते नहीं, कंपाइलर कंपाइल टाइम पे जहाँ पर भी प्लेस करना है स्ट्रक्चर्स को कर देगा, रन टाइम पे कुछ नहीं हो रहा, रन टाइम पे बस वो उसी तरह प्रोग्राम चल रहा है। जो सुपर स्केलर्स में हमने किया था वो डायनामिक स्केजलिंग थी, यानी कि वो रन टाइम पे डिटरमिन कर रहा होता था कि यार कौन सी ब्रांच किस पर डिपेंड करती है, ठीक है, जिस तरह ब्रांच हिस्ट्री टेबल, ब्रांच टारगेट बफर हमने बनाए हुए थे, ब्रांच प्रोडिक्टर बनाया हुआ था, इसी तरह ब्रांचेस के अलावा वो हैजर्ड्स भी रन टाइम पे डिटरमिन कर रहा होता था, तो वो डायनामिक स्केजलिंग थी। तो ये स्टैटिक स्केजलिंग है, इसमें आपकी अनप्रडिक्टेबल ब्रांचेस आपको ज़्यादा तंग करेंगी उसकी नस्बत, इसमें अनप्रडिक्टेबल कैश मिसेज जो है वो आपको ज़्यादा तंग करेंगी, क्योंकि उसमें अगर कैश मिस हो जाती थी आप आगे की इंस्ट्रक्शंस चला लेते थे, मसला नहीं होता था। इसमें अगर आपने कैश लगाई हुई है तो आप रुक जाएंगे अगर कैश मिस हुई। वैसे कई डीएसपीज में इसलिए कैश नहीं भी होती, ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम मेमोरी डाटा मेमोरी अलग अलग होती है और बस उस पर आप डायरेक्टली चला रहे होते हैं, तो कई डीएसपी इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसमें हाँ मतलब ऑब्वियसली लेडेंसी हाँ, तो उसमें आपको आप उस ऑब्वियसली फिर कोड साइज एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल बन जाता है कि आप चाहते हैं कि छोटा कोड हो और इस किस्म के हो। सो कोड साइज एक्सप्लोजन एक दूसरा प्रॉब्लम है, कोड कंपाइलर कम्प्लेक्सिटी एक और मसला है कि कंपाइलर मुश्किल हो जाता है। डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट वी एल ए डब्ल्यू एस फेल्ड इन जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग अरेना सो फार, ठीक है, कि अभी तक जो है आपका जनरल पर्पज़ मार्केट है उसमें वी एल ए डब्ल्यू नहीं चल सके। मोर कॉम्प्लेक्स वी एल ए डब्ल्यू आर्किटेक्चर्स क्लोज टू इन ऑर्डर सुपर स्केलर इन कम्प्लेक्सिटी, सो नो रियल एडवांटेज ऑन लार्ज कॉम्प्लेक्स ऐप। तो ज़्यादा अगर आप जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वी एल ए डब्ल्यू प्रोसेसर हैं वो मोर लेस वैसे ही बन जाते हैं जो कि हमारे इन ऑर्डर सुपर स्केलर था, जो जब से जो सबसे पहला वाला हमने पढ़ा था। सक्सेसफुल इन एम्बेडेड डी एस पी मार्केट, सिम्पलर वी एल ए डब्ल्यू विद मोर कंस्ट्रेंड एनवायरमेंट, फ्रेंडलियर कोड, ठीक है। सो आपका जो जो जब आपने जनरल पर्पस के बजाय किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए टारगेट करना है उसमें फिर कई दफ़ा ये अच्छा रहता है कि सिंपल सा है, आपने एक ही एप्लीकेशन उसके ऊपर चलानी है। रेडार सिग्नल प्रोसेसिंग में काम आते होंगे ये तो जी मेरा मैं यार पढ़ता था हम काम कर रहे थे तो डीएसपी में काफी एक्सपेंसिव काम था। वो अगेन मतलब जब आप कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ध्यान देना कि आप कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है, रडार सिस्टम बनाना है या एनी सिस्टम बनाना है, तो आप इनिशियली उसका फर्स्ट फेज होता है कि आप उसके थोड़ा प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपको पहले तो एल्गोरिदम डेवलप करते हैं उसके, ठीक है, जो कि अमूमन किसी जनरल पर्पस प्रोसेसर पर बना लेते हैं, फिर आपके उस पर डिटरमिन होते हैं कि रियल टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि आपने कितनी देर में चलाना है, ठीक है। हो सकता है कि जो आपने चलाना हो उसके लिए नॉर्मल जनरल पर्पस कंप्यूटर काफ़ी हो, के अंदर आप एक कंप्यूटर लगाएं और वो ही काफ़ी हो, आपको डीएसपी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हो सकता है आपको थोड़ा डीएसपी के एंड पे आ जाएंगे, अगर उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए हो सकता है आप एफपीजीए लगा लें, ये तो ये सारे किस्म के काम हो सकते हैं। ओके सो यहाँ तक हमारा वी एल ए डब्ल्यू को जो हमने एड्रेस करना था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, लास्ट टाइम हमने मोस्टली काम कर लिया था उसका। आज हमने उसके छोटे 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 जो जो बाद में ऑप्टिमाइजेशन है हमने क्लासिक वी एल ए डब्ल्यू काइंड ऑफ कवर कर लिया था, और फिर हमने थोड़ी सी और चीज़ें उसके ऊपर पढ़ी कि आप इंस्ट्रक्शंस को बंडल भी कर सकते हैं, आप उसको प्रेडिकेट भी कर सकते हैं, आप ट्रेस स्केजुलिंग भी कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है? मल्टी थ्रेडिंग आप सॉफ्टवेयर के हैं, आपको तो आइडिया होना चाहिए क्या चीज़ है जी। सर आप
जावा में होती है, सी में भी चला सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स। बेसिकली आप एक से ज्यादा प्रोग्राम जिस तरह पैरेलल में चला सकते हैं, वो भी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मल्टी थ्रेडिंग ही है, मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हो। लेकिन एक ही प्रोग्राम के अंदर भी हम मल्टीपल थ्रेड्स चला सकते हैं कि भाई एक ही प्रोग्राम में आपने एक फंक्शन कह दिया कि ये वाला जो है पैरेलल में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेन कोड, तो ये एक और थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है जो चल रहा है। ठीक है, सो नॉर्मली हम इस पैराडाइम में प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कि कोड जो है वो सीक्वेंस में चल रहा है। जब आप मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामर ये अज्यूम कर रहा है कि मैंने यहाँ से दो थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन बना दिए जो सीक्वेंस में चल रहे हैं, उसमें भी यूज हो रही होती है। ठीक है, उस पर मूवमेंट मल्टी प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एक थ्रेड एक प्रोसेसर पे चल गया, अभी दूसरा दूसरे पे। जी जी, वो एक जो कोर है ना वो एक अलग प्रोसेसर ही है। ठीक है, मल्टी कोर का मतलब है कि ये एक प्रोसेसर है, दूसरा प्रोसेसर है। अभी हम ना उस वाली चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिंगल प्रोसेसर के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी कोर के ऊपर हम आएंगे, मल्टी कोर के ऊपर हम एंड पे आएंगे कि अच्छा उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी इस मल्टी थ्रेडिंग से मुराद है एक ही कोर के ऊपर एक से ज्यादा थ्रेड चल रहे। ठीक है, सो हमने एक हाँ मतलब अभी हम उसको देखेंगे कि उससे क्या मुराद होती है एग्जैक्टली, हार्डवेयर में उससे क्या मुराद होती है, वो हमारा आज के टॉपिक है। सो बेसिकली क्या थीम है कि आप इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म जो था ना, कि जो हम सुपर स्केलर में भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और VLRW में भी क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कौन सी इंस्ट्रक्शन पैरेलल में चल सकती उसकी इवेंचुअली आप एक खास हद से ज़्यादा उसको नहीं निकाल सकते। तो एक और चीज़ कहलाती है फिर थ्रेड लेवल पैरेललिज्म, कि आप अगर वाकई प्रोग्राम को डिवाइड कर सको कि यार आधा काम इस थ्रेड में हो जाए आधा काम इस थ्रेड में हो जाए। ठीक है, सो उसको हम कहते हैं थ्रेड लेवल पैरेललिज्म, कि आप कुछ हिस्सा एक थ्रेड में डाल दें कुछ हिस्सा दूसरे थ्रेड में डाल दें, जब एक थ्रेड की कोई डिपेंडेंसी आई है तो दूसरा थ्रेड जो है ना वो चलता रहे और वो दूसरा रुके तो पहला चलता रहे। ठीक है, तो इस किस्म के काम कर सके। ठीक है, सो इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है मल्टी प्रोग्रामिंग के एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल रहे हो, और एक है मल्टी थ्रेडिंग जिसमें आप एक प्रोग्राम के मल्टीपल थ्रेड्स चला रहे हो। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें ठीक सा फर्क होगा क्योंकि वो एक ही प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में है या डिफरेंट प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में, उससे काफ़ी फर्क पड़ जाए। ठीक, मल्टी थ्रेडिंग यूजेस TLP टू इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल प्रोसेसर। तो अभी हम सिंगल प्रोसेसर कॉन्टेक्स्ट में कि एक ही प्रोसेसर चल रहा है लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल जॉब्स चल रही हैं, तो मल्टीपल जॉब्स जो चल रही हैं उनके मल्टीपल होने की वजह से हम कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते। ओके, सो पहले हम इसकी नीड को देखते हैं क्या। अब अगर लेट से ये एक सीक्वेंस, ये एक रिस्क प्रोसेसर जिस तरह हमने बनाया था उसके ऊपर अगर मैं ये कोड चलाना चाह रहा हूँ कि आप R1 को लोड करो, फिर एक कोर लोड करें जिसमें R1 यूज़ हो रहा है, ठीक है, फिर अगली इंस्ट्रक्शन में इधर जो लोड हुआ है वो यूज़ हो रहा है और फिर उससे अगली इंस्ट्रक्शन में ये वाला रिजल्ट यूज, तो हर इंस्ट्रक्शन इस कोड में हर इंस्ट्रक्शन पिछली इंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो अगर हमने ये 5 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है और अगर फॉरवर्डिंग इंप्लीमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब है कि इसके बाद इंटरलॉक होंगे, इसके बाद इंटरलॉक होगा, इसके बाद इंटरलॉक होगा, तो पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो जब डिकोड हो जाएगी तो दूसरी डिकोड पे फंस जाएगी। ठीक है, जब ये राइट बैक होगा तो वो फिर आगे चलना शुरू होगा। ठीक है, और फिर अगली डिकोड में फंस जाएगी। ठीक है, और फिर उससे आगे अगली वाली डिकोड में फंस जाएगी। तो ये आपका ओवरऑल ये चीज़ हमने पहले देखी हुई है कि अगर आप इंटरलॉक्स के जरिए प्रोसेसर बनाएं तो उसमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है जब आपकी रीड आफ्टर राइट हैज़र्ड आ जाते। ठीक, अच्छा, सो नॉर्मली हम क्या करते हैं इसको डील करने के लिए, या तो इंटरलॉक्स डालते हैं या बायपासिंग डालते हैं। ठीक है, जिसके लिए हार्डवेयर यूज होता है। ठीक है, बाज हैजर्ड्स नहीं भी ख़त्म होते लेकिन मोस्टली हैजर्ड उससे ख़त्म हो जाते। मल्टी थ्रेडिंग जो है ना वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है विदाउट काइंड ऑफ बायपासिंग हार्डवेयर। वो कैसे कर सकती है? वो ये है कि अगर मैंने 4 थ्रेड चल रहे होते इसके बजाय, ठीक है,
तो मैं ये काम कर सकता था सिंपल, ठीक है, कि ये थ्रेड वन है, ये थ्रेड टू है, ये थ्रेड थ्री है, ये थ्रेड फोर है, ठीक है। सो आपने थ्रेड वन का फेच डिकोड एग्जीक्यूट मेमोरी एक्सेस राइट बैक है, दूसरा जो है वो थ्रेड टू का फेच डिकोड है, फिर उसका फेच डिकोड है, फिर इसका अगला, ठीक है, वही स्टेज हमारी चल रही। जब तक अगर मैं चार थ्रेड इंटरलीव करूं बार बार, एक साइकिल में एक थ्रेड चलता है, अगले साइकिल में दूसरा, अगले साइकिल में, ये कहलाती है फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग, कि हर साइकिल में थ्रेड चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल फाइन ग्रेन हर साइकिल में थ्रेड चेंज करूं, तो जब तक थ्रेड वन की दोबारा बारी आएगी, उस वक्त तक पहली वाली इंस्ट्रक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, ठीक है। तो क्योंकि ये हो चुकी होगी, तो इसके डिकोड तक वो राइट बैक हो चुका है, तो मुझे कोई इंटरलॉक कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है? रिकॉर्ड तो अगली स्टेज में होनी क्या, टी टू वाली स्टेज में? ये वाली स्टेज में नहीं, ये है ही दूसरे थ्रेड की इंस्ट्रक्शन, हर थ्रेड इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इस थ्रेड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये इसका आर वन इसके आर वन पर डिपेंडेंट नहीं है, इस थ्रेड के रजिस्टर फाइल ही लैदा है, इस थ्रेड की रजिस्टर फाइल लैदा है, इसकी लैदा है, इसकी लैदा है, तो हर थ्रेड की अपनी अपनी रजिस्टर फाइल है, ठीक है। कि चार पांच प्रोसेस चल रहे हैं। हाँ, अब ये क्या हो रहा है कि अब आपके चार प्रोसेस पैरेलल में चल रहे हैं, और आप क्या करते हैं, हर साइकिल में कौन सा प्रोसेस चल रहा है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका एक बाय प्रोडक्ट क्या है कि पहली वाली जो थ्रेड की जब दूसरी दफा बारी आएगी, उस वक्त तक वो राइट बैक हो चुका होगा, ठीक है, राइट बैक इसके डिकोड तक ये राइट बैक पिछला हो चुका होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको इंडिविजुअल थ्रेड के लिए कोई बाईपासिंग, कोई इंटरलॉक डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी जब उसकी बारी आती है उस वक्त वो राइट बैक ही हो चुका होता है, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ कि ये वाला थ्रेड चार टाइम स्लो चल रहा है, ठीक है, बिकॉज इसकी बारी चार साइकिल में एक दफा आती है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम आप दूसरा थ्रेड चला रहे होते हैं, तो आप मीनिंगफुल काम ही कर रहे होते हैं। अगर आप ऐसा वर्कलोड लेके आ सकते हैं जिसमें चार काम पैरेलल में ही करने हैं, तो फिर ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वर्कलोड ऐसा है कि नहीं, आपको एक ही थ्रेड चाहिए था, फिर ये बाकी तीन नोब्स वैसे ही बन रहे होंगे, ठीक है। सो ये बात समझ आई है कि हो क्या रहा है कि आप थ्रेड टी टू नहीं चाहिए आर्म के लिए? इसका आर वन ही डिफरेंट है, हर थ्रेड की रजिस्टर फाइल ही फर्क है, ठीक है। तो अगर आप इस स्कीम में चार थ्रेड्स को इंटरलीव कर रहे हैं, ठीक है, तो हर पहले साइकिल में रेज फाइल जो है वो इसकी यूज हो रही है, दूसरे साइकिल में इसकी यूज हो रही है, तीसरे साइकिल में उसकी यूज हो रही है, तो मतलब फर्क फर्क चीजें हो रही है। दोबारा कैसे सर, टीवन दोबारा लोड? देखो, ये इसने पहले आर वन को लोड करना था, और अगली दफा उसी आर वन को यूज करना था, उसके बाद अगली दफा आर फाइव को यूज करना था, वो चार साइकिल बाद आएगा, ठीक है, उस वक्त तक ये लोड हो चुका होगा, ठीक है, उसके बाद अगला काम भी चार साइकिल बाद आएगा। तो क्योंकि टी वन का हर काम चार चार साइकिल बाद आ रहा है, तो टी वन को कोई परेशानी नहीं है, और पैरेलल में आपको नोब डालने के बजाय आपने दूसरा थ्रेड डाल दिया, ठीक है, तीसरा थ्रेड डाल दिया, चौथा थ्रेड डाल दिया, तो आप चार थ्रेड्स को ना फाइन ग्रेन इंटरलीव करें, कि हर साइकिल में डिफरेंट थ्रेड चलाते, तो वो चार के चार थ्रेड प्रोग्रेस कर रहे हैं विदाउट नीड फॉर बाईपासिंग और इंटरलॉक्स। और लेकिन इन दी एंड इसका मतलब है कि आपको चार थ्रेड चाहिए अगर आपने उतना ही काम करना है जितना आप करना चाह रहे हैं। सो यहां तक चीज समझ आई? ओके, सो ये वाला आइडिया जो था ना, ये शुरू में क्रे ने इंट्रोड्यूस किया अपने पेरिफेरल प्रोसेसर में। ये जो इसका इस क्रे ने एक वेक्टर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर था उस जमाने का, ठीक है, वो हम आगे वेक्टर प्रोसेसर्स में जाके पढ़ेंगे। उसका एक पेरिफेरल प्रोसेसर था जो कि आईओ के लिए यूज होता था, ठीक है, इनपुट्स आउटपुट्स के लिए। उसके अंदर उसने ये काम किया हुआ था कि उसको मल्टी थ्रेडेड बनाया हुआ था, और 10 वर्चुअल आईओ प्रोसेसर्स थे उसके अंदर, ठीक है। सो वर्चुअल प्रोसेसर का क्या मतलब है कि असल में सिंगल प्रोसेसर है, और उसमें 10 थ्रेड्स फाइन ग्रेन इंटरलीव हो रहे हैं, पहले साइकिल में एक चलता, दूसरे में दूसरा चलता, तीसरे में तीसरा चलता, ठीक। तो फिक्स्ड इंटरलीव ऑन सिंपल पाइपलाइन, पाइपलाइन हैज 100 नैनोसेकंड साइकिल टाइम, तो ऑब्वियसली ये 1964 का है, तो उस वक्त उसका जो साइकिल टाइम था वो 100 नैनोसेकंड था, जो कि 10 मेगाहर्ट्ज़ बन जाता, ठीक है। और ईच वर्चुअल प्रोसेसर एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन एवरी साइकिल, यानी कि
जो आपने एक प्रोग्राम है ना वो समझे 1 MHz पे चल रहा है, और ऐसे 10 प्रोग्राम चल रहे होंगे, तो आपको ये लग रहा है कि 10 प्रोसेसर हैं जो कि 1 1 MHz पे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, एक्यूमुलेटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट टू रिड्यूस प्रोसेसर स्टेट, फर्स्ट थ्रेड चलता है तो उसकी बारी नहीं की 10 साइकिल 10 साइकिल बाद आती है, ठीक है। सो इन दी एंड ऊपर से देख रहे हो तो जिस तरह हम बात कहा था, अगर मल्टी थ्रेडिंग हो रही हो ना तो आपको टास्क मैनेजर में वो मल्टीपल प्रोसेसर नजर आ रहे होंगे, असल में वो एक ही कोर होगी, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है कि उसमें आपको 10 प्रोसेसर नजर आ रहे होंगे स्लो चलते हुए, लेकिन असल में वो एक ही प्रोसेसर है, ठीक है। सो इसीलिए इसको हम वर्चुअल प्रोसेसर कह रहे हैं। एक्यूमुलेटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब है कि बासकात इसमें, यानी अमूमन वैसे डीएसपी प्रोसेसर में स्पेशली मैक की इंस्ट्रक्शन होती है मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट की, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा आप स्पेशली ये फिल्टरिंग और एफएफटी जैसे कामों में मेरा ख्याल है काफ़ी इस्तेमाल होती है कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे, बल्कि मल्टीप्लाई और एडिशन ही की स्टेप में करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर अगर साथ साथ चल रहा हो तो कुछ आपकी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम हो जाती है। तो सिंपल मल्टी थ्रेडेड पाइपलाइन कैसे बनेगी, वो इस तरह बनेगी, ठीक है। आपको अगर 4 थ्रेड चलाने हैं तो वो 4 थ्रेड प्रोग्राम मेमोरी में अलग अलग जगह पे पड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि थ्रेड एक अलग एग्जीक्यूशन है ना, यूनिट है, ये आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, ये एक और फंक्शन था जो आपका थ्रेड पैरेलल में चल रहा है, या कोई और प्रोग्राम ही था, ये कोई और प्रोग्राम चल रहा है, ये कोई और। अब पहले साइकिल में इसको चलाते हैं, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको, चौथे में इसको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको फिर इसका अंदर 4 पीसीस चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर आपको पहले साइकिल में ये पीसी होगा, दूसरे साइकिल में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, ठीक है। तो आपको एक काउंटर चाहिए जो कि हर साइकिल में 2 बिट का काउंटर लगा लिया, 0 1 2 3 जाता जाएगा, 3 के बाद खुद ही 0 हो जाएगा, 2 बिट का काउंटर है। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जो है ना, उसका इस पाइपलाइन से ताल्लुक नहीं होगा, वो इस पर डिपेंड कर रही होगी, नहीं हो सकती है। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे होती है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन ये होती है कि आपका एक थ्रेड जो था, जो जब आप मल्टीपल थ्रेड्स की बात करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाँ नहीं, लेकिन वैसे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन क्या होती है, अगर आपकी एक ही प्रोसेस के अंदर 2 थ्रेड है ना, ठीक है, तो वो सेम एड्रेस पे शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि वो सेम डाटा, मतलब मैं एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसको थ्रेड 1 भी एक्सेस कर सकता है, थ्रेड 2 भी एक्सेस कर सकता है। थ्रेड 1 उसको अपडेट करेगा तो थ्रेड 2 को भी नजर आ जाएगा, थ्रेड 2 अपडेट करेगा तो थ्रेड 1 को भी नजर आ जाएगा, ठीक है। डेंजरस होता है कि थ्रेड 1 ने लोड किया और कॉन्टेक्ट स्विच हो गया, दूसरे की बारी उसने भी लोड कर लिया, इसने भी लिखवा दिया, उसने भी लिखवा दिया, तो एरर्स आ सकते हैं। इसीलिए एक पूरा फिर कॉन्सेप्ट होता है कि आपने उसके लिए मेक श्योर करना होता है कि अगर 2 थ्रेड सेम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर लॉक लगाते हैं, ठीक है। सो लॉक्स का एक मैकेनिज्म है जो कि हम आखिरी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कैसे सपोर्ट होते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल थ्रेड सेम चीज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम, तो इसका उससे ताल्लुक नहीं है। वो उसका ताल्लुक होगा कि अच्छा, जब मैं इधर से लोड कर रहा हूँ तो क्या वो सेम एड्रेस दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, हम दे सकते हैं सेम एड्रेस, ठीक है। उससे वो लोड हो जाएगा, एक थ्रेड ने लोड किया, दूसरे ने भी लोड कर लिया, उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे वो हैंडल करना हार्डवेयर वाले की जिम्मेदारी नहीं है, वो हैंडल करना सॉफ्टवेयर वाले की जिम्मेदारी है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि हार्डवेयर में लॉक कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉक जिसके जरिए सॉफ्टवेयर वाले को आसानी हो सकती है मल्टीपल थ्रेड्स वाले केस में, लेकिन वो हम देखेंगे जाके जब हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो चीज पढ़ेंगे दैट इज इक्वली वैलिड इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम एज वेल, ठीक है। सो इंटर प्रोसेस, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन से ये मुराद होती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक अलग चीज है कि 2 प्रोसेस अगर पैरेलल में चल रहे हो तो उनकी स्पेस शेयर्ड नहीं होती, तो वो फिर किसी और तरीके से बात करते हैं, किसी सॉकेट पर बात कर सकते हैं, किसी और चीज पर बात कर सकते हैं। इसके ऊपर आगे कुछ बैठ गया लगता है, मक्खी बैठी। चलो एनी वे, नजर तो आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास क्या, हमने हर साइकिल में डिफरेंट थ्रेड एग्जीक्यूट करना है,
तो लेट से साइकिल वन में आपके ये वाला पीसी आ गया, ठीक है उड़ गई, साइकिल वन में ये पीसी आ गया, ठीक है। अगले साइकिल में दूसरा पीसी आ गया, अगले साइकिल में तीसरा पीसी आ गया, अगले में चौथा। तो पहले में पहले वाले थ्रेड की इंस्ट्रक्शन फेच हुई, दूसरे में दूसरे की, तीसरे में तीसरे की, चौथे में चौथे की। दूसरे साइकिल में पहले वाले थ्रेड की जिसकी इंस्ट्रक्शन फेच हुई है वो अब डिकोड होगी, ठीक है, यानी कि उसके ऑपरेंड्स फेच होंगे जिनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो यानी दूसरे साइकिल में इस जगह पर थ्रेड वन सिलेक्टेड होगा, फिर तीसरे साइकिल में इस जगह पे थ्रेड वन सिलेक्टेड होगा, चौथे साइकिल में राइट बैक पे थ्रेड वन सिलेक्टेड होगा, पांचवें साइकिल में दोबारा इंस्ट्रक्शन फेच पे थ्रेड वन सिलेक्टेड। ये बात समझ आ रही है ना, सिंपल, क्योंकि लेकिन दूसरे साइकिल में फेच दूसरे वाला थ्रेड हो जाएगा, तीसरे साइकिल में जब ये वन इधर जाएगा तो टू इधर आ जाएगा, नहीं के दूसरे। तो यहां पर आपके हर थ्रेड के अलग अलग जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, सो आपको हार्डवेयर में रैच फाइलें मल्टीपल लगानी पड़ेंगी, ठीक है, अगर आप मल्टी थ्रेडेड। नो आप खत्म हो गए, प्रोग्राम का टाइम बढ़ गया एक्चुअली, ठीक है। अगर आपने एक प्रोग्राम चलाना था तो एक प्रोग्राम का टाइम बढ़ गया है, लेकिन अगर आपने थ्रेड लेवल पैरेललिज्म अचीव किया हुआ था कि आपने प्रोग्राम को चार थ्रेड्स में तोड़ दिया था, फिर आप उन चारों को पैरेलल में चला सकते हैं, तो फिर वो उनका टाइम एक्चुअली इंप्रूव हो गया होगा क्योंकि इंटरलॉक्स की जरूरत है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोग्राम को तोड़, मिसाल के तौर पर मैंने एक बड़ी सी एरे थी जिसको जिसका सम कैलकुलेट करना था, लेट से, ठीक है, सारे एवरेज निकालनी थी जी आप बहुत सारे लोगों की, ठीक है, तो मैं अगर चार थ्रेड्स बनाना चाहूँ तो मैं इसको चार हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको चार हिस्सों में तोड़ूंगा तो एक लूप में, एक तो था ना मैं पूरा लूप लगा दूँ और उन सबको ऐड करता जो, तो मैं अब चार लूप लगा सकता हूँ, ठीक है, एक लूप इन सबको ऐड करे, एक लूप इन सबको ऐड करे, इनको करे, इनको करे, चार एडिशन आ गए, चार सम्स आ गए ना। सो मैं कह लूँ सम जीरो, सम वन, सम टू, सम थ्री, और फिर मैं इन चारों को इकट्ठा ऐड करके टोटल सम बना लूँ और उसको एन से डिवाइड कर लूँ, ठीक है। तो ये जो काम है, ये वाला लूप, ये वाला लूप और ये वाला लूप और ये चार थ्रेड हो सकते हैं जो मैं पैरेलल में चला दूंगा, ठीक है। तो पैरेलल में चला दूंगा, पहले साइकिल में ये फेच होगा, ठीक है, लेकिन अभी मतलब अब वो सम कैसे होगा, दो नंबर लोड करने, ठीक है, मतलब एक रैच फाइल में लेट्स एक्युमुलेटर लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं बार बार ये ऐड किए जा रहा हूँ, ये फिर इससे अगला, फिर इससे अगला, तो मैंने क्या करना है, लोड करना है, फिर ऐड करना है, ठीक है, फिर मैंने एक और ऐड करना है इंडेक्स को, ठीक है, ऐड मतलब इंडेक्स में प्लस वन करना है, ठीक है, ये आई प्लस वन में कहता हूँ, आई प्लस प्लस करना है, मैंने ए प्लस इज इक्वल टू जो भी, सम प्लस इज इक्वल टू ए आई करना है, ठीक है, और ये बार बार काम करते जाना है, ठीक है। सो उससे पहले मुझे लोड करना है ए आई को, ठीक है, तो मैं ये सुडो कोड से लिख रहा हूँ सी प्लस ओमिक्स, लेकिन ये काम करना ना कि ए आई को लोड करो, उसको सम के अंदर ऐड कर दो और फिर आई को प्लस प्लस कर दो, और ये काम बार बार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये थ्रेड जीरो भी यही कर रहा है, थ्रेड वन भी यही कर रहा है, थ्रेड टू भी यही कर रहा है, थ्रेड थ्री भी यही कर रहा है। अच्छा, नॉर्मली अगर मैंने ये लोड करना है तो जब तक ये लोड नहीं हो जाता तब तक मुझे वेट करना था, लेकिन अब क्योंकि मैंने फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग की हुई है तो इसकी अगली बारी चार साइकिल बाद आनी है, ठीक है। अगर मैंने ये लोड कर लिया है पहले वाले थ्रेड ने, ठीक है, सो अब उससे अगले साइकिल में अगले वाले की बारी है, वो लोड कर लेगा, उससे अगले की बारी है, वो लोड कर लेगा, उससे अगले में उससे अगले की बारी है, वो लोड कर लेगा। उसके बाद जो मैंने सम पे जब मैं आऊंगा तो चार साइकिल गुजर चुके होंगे, उस वक्त तक ये राइट बैक हो चुका होगा, तो मैं सम कर लूंगा, तो ये अगले साइकिल में सम कर लेगा, ये उससे अगले में सम कर लेगा, उससे अगले में कर लेगा, उससे फिर मैं राइट बैक आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, वो भी अगले साइकिल में खुद ही। तो ये जो ओवरऑल काम था जो अगर एक थ्रेड में हो रहा होता तो तब मुझे या तो बाईपासिंग की लॉजिक लगानी थी या मुझे इसको रोकना था। अगर इंटरलॉक्स लगाता तो स्लो हो जाता, बाईपासिंग लगाता तो हार्डवेयर बन जाता, उसके बजाय थ्रेड का हार्डवेयर लगा के भी मैंने यही काम
बगैर बाईपासिंग लॉजिक के कर ली। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। सारे प्रोग्राम ऐसे नहीं होते जिनको इस तरह से तोड़ा जा सके, लेकिन काफी सारे ऐसे होते भी हैं, ठीक है। मतलब FFT लेनी है, हो सकता है आप उसको दो हिस्सों में तोड़ सके, 1024 पॉइंट किया तो मे बी आप 512 में तोड़ सकते हो, मे बी ना पॉसिबल हो, ठीक है। सो ये देखने वाली चीज़ है। इसी तरह फिल्टर करना है तो हो सकता है वो आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो सकता है ना तोड़ सकते हो, मतलब फिल्टर में ही पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मे बी आप उसको आधों को पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें और ऐड कर लें बाद में। तो ये पूरा काम मतलब आप तोड़ सकते हैं, बास का नहीं तोड़ सकते। सो अगर आप अपने वर्कलोड को तोड़ सकते हैं डिफरेंट हिस्सों में, तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ गुड ऑप्शन कि आप पैरेललिज्म फर्दर अचीव कर सके, ठीक है। तो ये वाला काम अब इसमें होगा। सो ये भी कंसेप्चुअली समझ आ गया कि वो आपके थ्रेड एक ही प्रोग्राम को भी मल्टीपल में तोड़ा जा सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। मैं जो एग्जांपल दे रहा था ये एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल थ्रेड्स में तोड़ने वाली, ठीक है। सो इन दी एंड ये चल कैसे रही है कि फिर आपका साइकिल जीरो पे, साइकिल वन पे पीसी वन आया, अगले साइकिल में पहली वाली इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई लेकिन दूसरी वाली फेच हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली जो है वो दूसरे थ्रेड की है, ठीक है। साइकिल थ्री में पहली वाली एग्जीक्यूट में चली गई, दूसरी वाली के जनरल पर्पज रजिस्टर यूज हुए, तीसरी वाली के पीसी फेच हो गए। सो ये जो काउंटर है अगर ये जीरो था पहली दफा, ठीक है, तो अगले साइकिल में इधर आपको जीरो चाहिए, अगले साइकिल में इधर आपको जीरो चाहिए, तो हमने इसी को आगे पाइपलाइन कर दिया। ये काउंटर क्या सिलेक्ट कर रहा है कि कौन से पीसी सिलेक्ट होना है, इधर क्या सिलेक्ट कर रहा है कौन सा जनरल पर्पज रजिस्टर सिलेक्ट होना है, ठीक है। सो ये काउंटर जो है ये सिंपली इसी तरह हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। ALU में शायद इसकी जरूरत इसमें भी होगी क्योंकि ये XY भी डिफरेंट होंगे सारों के, ये भी चारों थ्रेड के डिफरेंट, इनमें से किस में से सिलेक्ट करना है ये भी चूज कर रहा हूँ। तो कोर आइडिया समझ आ गया आपको कि आप मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर हम इसको हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते, एक असेंबलर हमारे पास होता या एक कंपाइलर छोटा सा लिखा होता जिसमें हम फिर चार थ्रेड्स निकाल के FPGA के ऊपर ये डाल के देख सकते होते, बट उससे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो वो हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन इन दी एंड इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग कि अगर हम इसके प्रोजेक्ट्स रख देते कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है हार्डवेयर डिज़ाइन का, तो प्रॉब्ली ये भी नहीं किया जा सकता। ओके, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई ये क्या हो रहा है। ओके, तो अच्छा, सो हर थ्रेड को अपना पीसी चाहिए और अपने जनरल पर्पज रजिस्टर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए जो हमने पिछली सिंपल पिक्चर में नहीं बनाई हुई, कि हर थ्रेड का वर्चुअल मेमोरी पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही प्रोग्राम है के थ्रेड हैं तो उनका पेज टेबल का बेस रजिस्टर सेम होगा, अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं तो उनका बेस रजिस्टर फर्क होगा। और फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग रजिस्टर भी आपको हर थ्रेड के ऊपर चाहिए होगा, ठीक है। और ओवरहेड्स के हैं एडिशनल कैश TLB कन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम कंप्यूटिंग थ्रेड्स, तो आप मल्टीपल थ्रेड्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से आपको TLB का साइज बढ़ाना पड़ेगा, कैश का साइज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप पैरेलल में मल्टीपल जगहों से आप रीड कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो ये आपको करना पड़ेगा। मोर OS ओवरहेड टू स्केड्यूल मोर थ्रेड्स, ठीक है, कि मतलब ये चीज़ सॉल्व तो की लेकिन ये एक तो ये ओवर, अगर मैंने प्रोग्राम को तोड़ना है तो मुझे नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है, सेम काम करने के लिए। और अगर मैंने नहीं तोड़ा तो मेरे OS को ये काम करना पड़ेगा कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को पैरेलल में स्केड्यूल करो, तो अगर यूज़र ने मल्टीपल प्रोग्राम नहीं चलाए हुए इतने ज़्यादा तो फिर वो यूज ही नहीं हो रहा होगा हार्डवेयर एक्चुअली, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आएगी, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं, ये हमारा था फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। फाइन ग्रेन इसलिए कि हर साइकिल में आपका थ्रेड चेंज हो रहा है, ठीक है। सो नॉर्मली ये पेरिफेरल प्रोसेसर वगैरह में तो यूज होता है, जिस तरह वो क्रे के प्रोसेसर में यूज होता था, लेकिन ऑब्वियसली फिर अगर सारे थ्रेड यूज नहीं हो रहे तो बबल आप उसमें डाल देते थे, नोब डाल देते थे, यानी लेकिन
हर केस में आप इतने थ्रेड स्केड्यूल नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर और चीज़ें यूज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक और, ये तो फिक्स्ड इंटरलीफ थी कि आप फिक्स, जिस तरह इसमें 10 का था, हमने जो एग्जांपल देखी उसमें 4 की हमने इंटरलीफ बना दी। एक हो जाती है सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इंटरलीफ कि OS एलोकेट्स S पाइपलाइन स्लॉट्स अमंग N थ्रेड्स, ठीक है। सो अब आपके पास जो है ना हार्डवेयर के अंदर फिक्स्ड S स्लॉट्स हैं, ठीक है, और OS उसके ऊपर N थ्रेड्स को स्केड्यूल कर रहा है, यानी S में भी आपके हार्डवेयर जो है वो 4 थ्रेड्स को लेट से इंटरलीव कर रहा है, लेकिन OS के पास पीछे से 10-15 थ्रेड हैं, तो वो फिर चूज करता है कि उनमें से कौन से 4 जाएंगे, ठीक है, और वो फिर अगली दफ़ा चेंज हो जाएंगे, तो वो एक पूरा स्केड्यूल बना लेगा कि कौन सा थ्रेड की बारी किस नंबर पर आएगी, ठीक है। तो पीछे से आपके ये दोनों डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, तो इसमें फिर सॉफ्टवेयर इंटरलीफ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक। फिर हार्डवेयर कंट्रोल्ड थ्रेड स्केड्यूलिंग जो है ये एक और प्रोसेसर के अंदर यूज होती रही है कि हार्डवेयर कीप्स ट्रैक ऑफ विच थ्रेड्स आर रेडी टू गो, पिक्स नेक्स्ट थ्रेड टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन हार्डवेयर प्रायोरिटी स्कीम। तो अब इसमें प्रायोरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर में ना डाली हुई है, OS में। हार्डवेयर कंट्रोल्ड हो तो फिर हार्डवेयर खुद डिटरमिन करता है कौन कौन सा थ्रेड रेडी है और उसको चलाता है, ठीक। सो ये जो आखिरी वाला हमने देखा HEP 1982 का, ठीक है। सो फर्स्ट कमर्शियल मशीन टू यूज हार्डवेयर थ्रेडिंग इन मेन CPU, ठीक है। सो आपके मेन CPU में जो पीछे वाला था, जो क्रे वाला था, वो पेरिफेरल प्रोसेसर था, यानी कि वो मेन प्रोसेसर नहीं था। मेन प्रोसेसर वाज अ सुपर कंप्यूटर जो कि एक वेक्टर प्रोसेसर था, तो IOS के लिए एक और प्रोसेसर था जो कि मल्टी थ्रेडेड था। सो ये है जिसमें मेन CPU जो था ना आपका, वही मल्टी थ्रेडेड था, और इसमें 120 थ्रेड्स पर प्रोसेसर थे, 10 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक रेट था, अप टू 8 प्रोसेसर्स। सो 8 प्रोसेसर्स पे 120 थ्रेड पर प्रोसेसर चल रहे हो, तो वे बहुत सारे थ्रेड बन जाते, ठीक है। प्री हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 120 × 8 जो है आपके 960 बन जाएंगे मेरे ख्याल। ओके, प्रीकर्सर टू टेरा MTA मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर, जो इसके आगे अगला आर्किटेक्चर आया टेरा MTA, उस जिसमें इससे भी ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो उसमें क्या था, अप टू 256 प्रोसेसर्स, अप टू 128 एक्टिव थ्रेड्स पर प्रोसेसर, अगेन ये सेम ही है। प्रोसेसर्स एंड मेमोरी मॉड्यूल्स पॉपुलेट स्पार्स 3D टोरस इंटरकनेक्शन फैब्रिक टोरस किया गया आपका, मतलब मे बी प्रॉब्ली प्रोसेसर सेंटर में होगा और मेमोरी उसके साइड पे हर एक के साथ कनेक्टेड होगी। फ्लैट शेयर्ड मेन मेमोरी, नो डाटा कैश, सस्टेन्स 1 मेन मेमोरी एक्सेस पर साइकिल पर प्रोसेसर, ठीक है। सो डाटा कैश वगैरह कोई नहीं थी, और 260 मेगाहर्ट्ज़ पे ये तकरीबन चल रहा होता था। और इसके बाद अगला वर्जन MTA2 आया था, लेकिन इन द एंड देखा जाए तो 256 प्रोसेसर्स, और जिसमें अप टू 128 एक्टिव थ्रेड पर प्रोसेसर हो सकते हैं, तो इट्स अ ह्यूज नंबर कि कितने ये टोटल 256 × 128 बन जाएंगे, जो कि आपके 7+8 × 15 बन जाएंगे, ठीक है, यानी 32 के थ्रेड्स चल सकते हैं। सो क्यों, कब चाहिए होंगे 32 के थ्रेड्स? ये अमूमन ऐसी एप्लीकेशंस में चाहिए होते हैं, जिस तरह हमने गूगल की बात की कि गूगल को बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही होंगी। सो वो जो मिलियंस या बिलियंस रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं, उनको अगर हर एक को अलग अलग थ्रेड सर्विस कर रहा हो, तो वो एक मतलब डाटा सेंटर में आपको इस किस्म के सिस्टम्स चाहिए होंगे। तो हो सकता है कि उस ज़माने के डाटा सेंटर्स में ये लगा हुआ हो, आजकल तो खैर इससे काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि ये 1990 में हम इतने थ्रेड्स पर प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। तो हाँ, मतलब 90s की बात है ना, ऊपर 90 लिखा हुआ है, वैसे 92 में भी एग्जैक्टली है, मुझे याद नहीं, ठीक। तो इसकी जो पाइपलाइन थी ये उधर दिखाई हुई है, एवरी साइकिल 1 VLIW इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1 एक्टिव थ्रेड इज लॉन्च इनटू पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इज 21 साइकल्स लॉन्ग। सो ओवरऑल पाइप, तो इंस्ट्रक्शन VLIW थी जो कि आपके जो इशू पूल से आपके निकल रही हैं, ठीक है, और फिर आपकी जो है ना टोटल पाइपलाइन डेप्थ जो है 21 साइकिल्स की है, और मेमोरी ऑपरेशंस जो है उन पर 150 साइकिल्स की लेटेंसी पड़ती है। तो ये नीचे मेमोरी की बड़ी सी पाइपलाइन बनी हुई है कि आप मेमोरी के नेटवर्क पे जाएंगे, नहीं हुआ तो रीट्राई होगा, और फिर आप वापस
राइट करवाएंगे। ये एक थ्रेड की बात हो रही है, एक थ्रेड इधर से आएगा, इश्यू होगा, इंस्ट्रक्शन फेच हुई, अगर मेमोरी इंस्ट्रक्शन है तो इधर चली जाएगी। हाँ, ये वाला VLIW था, लेकिन इसके ऊपर मतलब मल्टी थ्रेडिंग भी हुई थी, यानी कि जो हर साइकिल में आपका थ्रेड काइंड ऑफ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, सो 128 थ्रेड पैरेलल में इसके ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, सो वो हर एक साइकिल में एक थ्रेड आया इशू पूल में, फिर अगले में दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, तीसरे में तीसरी आई, अगर वो मल्टीप्लाई एक्युमुलेट वो क्या करें ALU है तो वो अलहदा पाइपलाइन में चलेगी, मेमोरी है तो दूसरे पाइपलाइन में चलेगी, तो कंडीशन है तो तीसरे में चलेगी। ठीक है सर, ठीक है। अज्यूमिंग अ सिंगल थ्रेड इशूज वन इंस्ट्रक्शन एवरी 21 साइकल्स एंड क्लॉक रेट इज 260 MHz, वॉट इज सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस? चले जी, अगर आपका एक थ्रेड जो है ना वो हर एक के साइकिल के बाद करता है और क्लॉक रेट इज 260 MHz, तो एक थ्रेड की परफॉर्मेंस क्या है? बात समझ, 26 की पाइपलाइन है ना, लेट से के 21 की पाइपलाइन है ना, तो हर इंस्ट्रक्शन जो है ना, लेट से 21 थ्रेड्स चल रहे हैं और मतलब हर 21 साइकिल के बाद आपकी एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, ठीक है, एक थ्रेड की, तो और ओवरऑल क्लॉक रेट 260 MHz है, तो एक थ्रेड को क्या परफॉर्मेंस मिल रही है? एक थ्रेड कितनी किस फ्रीक्वेंसी पर जा रहा होगा? अगर क्लॉक रेट 260 MHz है और 21 साइकल्स बाद एक एक इसका आती है, तो फिर क्या करेंगे, किसको किससे डिवाइड कर देंगे, आपका 260 डिवाइड बाय 21, सो एक को जो है ना 12.4 MHz या मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आप कह लें, ठीक है, मिल रही होंगी। मिप्स प्रोसेसर मेमोरी नहीं, नहीं वो और था, डोंट कंफ्यूज मिप्स, सो ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, मेगा से ये निकला हुआ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ओके, सो ये तो थे हमारे फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग, अब हम आ जाते हैं कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, सो ये जो था ना, ये सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए था जिसमें बड़े डाटा सेट्स होते हैं और डाटा कैश नहीं थी, बहुत से पैरेलल थ्रेड्स आप लगा देते हैं, वो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो कैश फ्रेंडली होती हैं, जिसमें को कैश ज़्यादातर हिट ही होती है। ठीक है, सो आपको आप चाह ये रहे होते हैं बहुत सारे केसेस में कि क्योंकि कैश मिस हो तो हमें लंबी पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, तो आप बास का सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि यार मुझे ये बिल्कुल फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि कैश मिस हो जाए तो दूसरा थ्रेड लोड हो जाए। ठीक है, जब उसकी कैश मिस हो तो दोबारा पहला थ्रेड लोड हो जाए। ठीक, सो यानी कि आप बहुत ज़्यादा थ्रेड्स नहीं चाह रहे होते, सिर्फ आप कैश मिसेस के ऊपर स्वैप करना चाह रहे हो, तो कैश मिसेस में जो टाइम ज़ाया होना है वो दूसरा थ्रेड कवर कर। ठीक, सो ये MIT का एक प्रोसेसर था जिसने ये इनिशियली किया कि स्पार्क एक प्रोसेसर होता था उसको इन्होंने मॉडिफाई किया। ठीक है, तो ये अप टू 4 थ्रेड्स आप इस पर चला सकते थे और थ्रेड स्विच जो होते थे ना वो बजाय हर साइकिल में नया थ्रेड चलने के जब कैश मिस होती थी तो थ्रेड दूसरा लग जाता था। तो ये इसको हम कहते हैं कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि आप फाइन लेवल पे नहीं, हर साइकिल पे नहीं कर रहे बल्कि जब कैश मिस होती है तब कर रहे। ठीक है, फिर आपके IBM का पावर PC जो है उसका भी इसमें भी कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग हो रही होती थी कि सो आपके बेसिकली 2 वर्चुअल CPU सपोर्टेड होते हैं, ऑन L2 कैश मिस पाइपलाइन इज फ्लश्ड एंड एग्जीक्यूशन स्विच टू सेकंड थ्रेड, क्योंकि L2 कैश मिस हुई है तो अब आप L3 से या आई डोंट नो इसमें L3 थी या मेमोरी पे जाते थे, दोनों केस में आपको ज़रा बड़ी पेनल्टी पड़ती है, तो उस केस में आप पाइपलाइन फ्लश करके दूसरे को चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि आपने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, फिर इसके बाद आपके ओरेकल का जो नियाग्रा सीरीज ऑफ प्रोसेसर्स थे,
ठीक है, ये ज़्यादातर डेटा सेंटर्स और वेब सर्वर्स के लिए जिनमें कंकरेंट रिक्वेस्ट चाहिए होती है, ठीक है, इनको इसका इनको मूवन हम ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ाने पढ़ा रहे हो, हम उनको कंकरेंट सर्वर्स कहते हैं कि जिनमें पैरेलल में आपको बहुत सारी यूजर्स को सपोर्ट करना होता है, ठीक है, प्रोवाइड मल्टीपल सिंपल कोर्स ईच विद मल्टीपल हार्डवेयर थ्रेड रिड्यूस एनर्जी ऑपरेशन थ्रू दो मच लोअर सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस। सो ऐसे कंकरेंट सर्वर्स में हमें ये नहीं होता कि मैंने अगर लेट से कुछ सर्च किया है तो मुझे बहुत अर्ली रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होता, ऑब्वियसली मैं आगे यूजर बैठा हूँ तो मुझे, मैं तो एक आम इंसान जो है वो एक सेकेंड के 16वें 17वें हिस्से में जो चीज़ हो रही हो वो उसको फील भी नहीं होती, जिस तरह पंखे के पर घूम रहे हो तो हमें नज़र भी नहीं आते, ठीक है, या वीडियो चल रही हो तो वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फ्रेम्स, जो मेरा ख्याल है 20 फ्रेम्स पर सेकेंड के करीब चल रहे होते, तो मुझे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए कि एक सेकंड के अंदर मे बी मेरे लिए एक मिली सेकंड में अगर रिस्पॉन्स आ जाए वो भी काफ़ी है, ठीक है, या हो सकता है कि एक मिली सेकंड तो एक सेकंड का हज़ारवां हिस्सा है, मे बी अगर उसके 20 मिली सेकंड या 50 मिली सेकंड में भी आ जाए तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, ठीक है, इवन 100 मिली सेकंड में भी ना पड़ता हो, तो आपको सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस उतनी तेज़ नहीं चाहिए होती कई दफ़ा, लेकिन आपको पैरेलल में बहुत से थ्रेड्स हैं कि ऐसे लाखों यूजर हैं जो एट द सेम टाइम आपको अप्रोच करें, उन हर एक को बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, लेकिन आपको वो लाखों को इकट्ठा प्रोसेस करना है, तो ऐसे केस में फिर ऐसे प्रोसेसर्स काम के होते हैं जिनमें आप जो मल्टी थ्रेडेड हो, ठीक है, जो बेशक सिंपल पाइपलाइन हो जो कि सिंगल थ्रेड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना भी हो लेकिन ओवरऑल मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस जो वो बड़ी अच्छी हो। सो ये फिर नायग्रा सीरीज के 1, 2, 3 आपके 2004, 2007 और 2009 में, एक में 8 कोर्स हैं, 1 और 2 में पहले में 4 थ्रेड्स पर कोर थे, दूसरे में 8 थ्रेड्स पर कोर हैं, फिर 2009 वाले में 16 कोर्स हैं और उसमें 8 थ्रेड्स पर कोर है, ठीक है। सो ये उसका मेन आर्किटेक्चर है, ठीक है, जिसमें आपकी 16 थ्रेड्स पर कोर ये जो 3 वाला था, और इसमें फिर आपके समझ लो कि कैशेस लगी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि 2 पैरेलल में लगी हुई हैं, और ये क्रॉस बार है जो कि मेमोरी के साथ इसके इंटरफेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका इसमें आपके कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग हो रही थी, ठीक है, हर थ्रेड के ऊपर कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग चल रही। ओके, सो अब हम मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है, और ऐसा करते हैं कि नमाज की ब्रेक इधर कर लेते हैं, ठीक है, सो ये आखिरी टॉपिक, इसके बाद हम फिर साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सुपर स्केलर प्लस मल्टी थ्रेडिंग को कंबाइन करने की कोशिश हम करें, तो उस पर हम आ जाते हैं नमाज के बाद 10। अच्छा, सो अब हम मूव करते हैं नए चीज़ पे, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, मतलब मल्टी थ्रेडिंग ही का अगला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अभी तक जो मल्टी थ्रेडिंग देख रहे थे उसमें हम ये करना चाह रहे थे कि या वो कोर्स ग्रेंड मल्टी थ्रेडिंग थी या फाइन ग्रेंड थी, लेकिन एक वक्त में 2 थ्रेड्स का काम पैरेलल में हार्डवेयर नहीं कर रहा था, यानी कि या थ्रेड लेट से 2 थ्रेड हैं तो या थ्रेड 0 चल रहा होगा हार्डवेयर पे या थ्रेड 1 चल रहा होगा, ठीक। साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में हम ये करने की कोशिश करते हैं कि हम कहते हैं कि सुपर स्केलर में ऑलरेडी ऐसा हार्डवेयर तो है जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को निकाल सके, ठीक है, अगर हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस तरह कर सकें कि वो मल्टीपल थ्रेड्स की इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को निकाल सके, तो लेट से मेरे पास अगर 2 फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर हैं, 2 फ्लोटिंग पॉइंट एडर हैं, तो एक वक्त में अगर फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर जो है वो एक थ्रेड की मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो दूसरा मल्टीप्लायर दूसरे थ्रेड वाली मल्टीप्लीकेशन कर ले, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास अवेलेबल हैं। सो बीच में थीम ये थी कि रिसोर्सेज स्टिल ज़्यादा हो रहे हैं अगर आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो, तो किसी तरह अगर हम ये कर सकें कि हम ऐसा मैकेनिज्म बना सकें कि मल्टीपल थ्रेड्स में से इंडिपेंडेंट
ब्लॉक्स उठा के उसको सेम रिसोर्सेज के ऊपर स्केड्यूल कर सकते। तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेडिंग, ठीक है। लेकिन इसके पीछे आपको आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर जो हमने पीछे पढ़ा था, यानी कि जो यूनिफाइड रजिस्टर फाइल या टोमोसुलो, उस हार्डवेयर के ऊपर कुछ फर्दर एडिशन करके कि जो वो मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट कर सके, उसको चलाना पड़ता है, ठीक है। सो ये इनिशियल एक पेपर था जिसमें उन्होंने डिफरेंट वर्कलोड्स पे बताया हुआ था कि ज़्यादातर जो आपके एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं ना, वो आइडली बैठे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक वक्त में आपका एक यूज़ हो रहा होगा, दूसरा नहीं यूज़ हो रहा होगा, तो ये सारे के सारे जो फंक्शनल यूनिट्स हैं ना, वो यूज़ नहीं हो रहे होते, ठीक है। ये जो आपका एक्चुअल में प्रोसेसर बिजी है, वो ब्लैक में प्रोसेसर बिजी शो किया हुआ है। अब टीएलबी मिस, डाटा टीएलबी मिस, कैश मिस, ये ठीक सा चंक बीच में एक्वायर करके बैठे हुए, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट, तो ये मतलब आपका जो ये डिफरेंट प्रोग्राम है नीचे वाले डायरेक्शन में, ठीक है, जो बेंचमार्क्स हैं जिनके ऊपर इसको चलाया हुआ। तो हर एक में ना काफ़ी जगहों पर आपका प्रोसेसर बिजी नहीं जा रहा, या एटलीस्ट सारे फंक्शनल यूनिट बिजी नहीं जा रहे, ठीक है। होता क्या है कि जब आप सुपर स्केलर बनाते हैं तो आपकी एक इशू विड्थ होती है, और आप इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहे होते हैं, और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं, टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अब आपकी लट से मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पैरेलल में चल रही हैं, ठीक है। होता ये है कि बीच में कैश मिस हो गई या कुछ और हो गया, तो दरमियान में आपकी कुछ बिल्कुल वेस्टेड साइकिल्स जाते हैं, ठीक है। ये जो इस डायरेक्शन में साइकिल जा रहे हैं वेस्टेड, इनको हम उन कहते हैं वर्टिकल वेस्ट, ठीक है। और जो अब ये वाला यूनिट है फंक्शनल यूनिट, ये यूज ही नहीं हुआ इतनी देर, ये यहाँ पर आकर यूज हुआ, तो ये जो इतनी देर ये पूरा फंक्शनल यूनिट वेस्टेड जा रहा था, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल वेस्ट, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये आपका पूरा का पूरा वेस्ट जाता है। जब आप मल्टी थ्रेडिंग कर देते हैं, ठीक है, तो अब इसमें एक कलर में एक थ्रेड शो किया हुआ है, दूसरी कलर में दूसरा थ्रेड शो किया। तो मल्टी थ्रेडिंग में आप क्या करते हैं, थोड़ी देर एक थ्रेड चला, फिर थोड़ी देर दूसरा थ्रेड चला, फिर थोड़ी देर एक थ्रेड चला, फिर थोड़ी देर दूसरा थ्रेड। तो इससे आपका जो ये वर्टिकल वेस्ट आ रहा था ना, ये थोड़ा बहुत ज़ाया होने से बच गया, क्योंकि अब इधर कैश मिस होने की वजह से ये अगर रुक गया थ्रेड, तो दूसरा थ्रेड उस जगह पर आ गया, ठीक है। तो ये वर्टिकल वेस्ट को हमने किसी हद तक हैंडल कर लिया जब हमने मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट की। लेकिन हॉरिजेंटल वेस्ट हमारा रह गया, ठीक है। तो ये आपकी काइंड ऑफ साइकिल बाय साइकिल इंटरलीविंग अगर कर रहे हो, या दो दो साइकिल बाद, तो इस तरीके से होगा। जब आपके मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, तो तब आप समझ लेंगे कुछ फंक्शनल यूनिट इस प्रोसेसर के पास हैं, कुछ फंक्शनल यूनिट दूसरे के पास हैं, तो ये काइंड ऑफ पैरेलल में दोनों चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो कुछ फंक्शनल यूनिट इधर यूज़ हो रहे हैं, कुछ इधर यूज़ हो रहे हैं, और ये आपका काम चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका हॉरिजेंटल वेस्ट जो है ना, वो किसी हद तक बच रहा है, क्योंकि इस पे भी थ्रेड चल रहा है, इस पे भी थ्रेड चल रहा है। तो अगर ये वाला थ्रेड आइडल भी हो गया, तो इस तरफ वो चल रहा है, ठीक है। तो आपका एक वक्त में मल्टीपल, अगर एक थ्रेड में आपके मल्टीपल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आपको नहीं मिले, तो दूसरे थ्रेड पे तो मिल गए, तो वो पैरेलल में चल रहे हैं। तो हॉरिजेंटल वेस्ट जो था ना, वो किसी हद तक कम हो गया, लेकिन वर्टिकल वेस्ट आपका स्टिल रह रहा है, क्योंकि आपके इसके ऊपर अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो रही, तो जब ये कैश मिस होगी तो ये कुछ टाइम जाया होगा, फिर इस पे भी कैश मिस होगी तो टाइम जाया होगा, ठीक है। ये बेसिकली जो ग्रे ब्लॉक्स हैं, ये वेस्ट हैं। जो कलर्ड ब्लॉक्स हैं, ये थ्रेड इन इनको यूज़ कर रहा है, ये कलर का थ्रेड है, कलर जो है ना, इट्स शोइंग थ्रेड्स, ठीक है, कि ये एक थ्रेड चल रहा है, ये दूसरा थ्रेड चल रहा है, ये इस प्रोसेसर पे चल रहा था, ये इस प्रोसेसर में, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर्स में आपका काइंड ऑफ समझें कि हॉरिजेंटल वेस्ट कम हुआ, लेकिन वर्टिकल वेस्ट रहा, क्योंकि इंटरलिविंग नहीं हो रही। मल्टी थ्रेडिंग में आपका वर्टिकल वेस्ट कम हुआ, लेकिन हॉरिजेंटल वेस्ट रहा, ठीक है। जो अगर आप आइडियल मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो, जिसको हम साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं,
उसमें ये है कि आपके मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है, और वो चल रहे हैं, और वो चलते हुए आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस थ्रेड को क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर एक थ्रेड चल रहा है इस वक्त, ये इसको एक फंक्शनल यूनिट चाहिए था, दूसरे थ्रेड को ये वाला यूनिट दे दिया, ठीक है। फिर तीसरा, अगर ये रुक गया किसी वजह से, तो अगले साइकिल में आपने उससे अगले थ्रेड को दे दिया। तो आप मल्टीपल थ्रेड से फेच कर रहे हैं और फंक्शनल यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला फंक्शनल यूनिट फारिग है और अगला थ्रेड उठा सकते हैं, तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। सो क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर में हमने ये काम किया हुआ कि हम डिपेंडेंस निकाल सकते हैं चीज़ों की, ना कि मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शन की कंडीशंस पूरी होंगी। रीऑर्डर बफर आधा काम हमारा कर रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ उसमें हमें थ्रेड नंबर की भी सपोर्ट डालनी है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अगर हम वो डाल दें, तो फिर हम क्या करेंगे कि आइडियली अगर सब कुछ हो सकता हो, तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगी कि जब भी कोई चीज रुके तो दूसरा थ्रेड भी आ सके, और वो हॉरिजेंटली भी फिल कर सके और वर्टिकली भी फिल कर सके। यानी कि अगर मैं इस साइकिल को देखूं, तो इस साइकिल में तीन डिफरेंट थ्रेड्स के काम हो रहे हैं। एक थ्रेड इस फंक्शनल यूनिट को यूज कर रहा है, एक इसको यूज कर रहा है, और ये थ्रेड इसको यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन आइडियली अगर ये हम किसी तरह कर लें, तो ये फास्टेस्ट होगा, इसमें कम से कम वेस्ट हो रहा होगा, ठीक। सो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों इसमें कवर हो जाए। तो ये 96 का एक पेपर था। क्रिएट इसलिए होती है कि ये तो आपको, बल्कि ये आपसे मुझे पूछना चाहिए क्यों होती है, आप बताएं। इंटरलीव्स की बात करें या वेस्ट की बात करें, वेस्ट क्यों क्रिएट होगा आप बताएं। क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, प्रोग्राम इनहेरेंटली सिक्वेंशली लिखे होते हैं ना, तो आपके वाकई एक दूसरे पर डिपेंडेंस आ रही होती है इंस्ट्रक्शंस की। तो जब आती है, तो फिर आप, फिर उसके अलावा कैश मैसेज आती है। नहीं, मल्टी थ्रेडिंग कोर्स फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग में भी एक वक्त में एक थ्रेड चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास चार रिसोर्सेज हैं, तो उनमें से एक यूज हो रहा होगा। यानी कि ये अगर है, तो ये सिर्फ इस कलर का रिसोर्स है, फिर अगला दूसरे कलर का, फिर दूसरे कलर का है। तो एक थ्रेड सारे के सारे रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि एक थ्रेड जो है उसको हर वक्त चारों सारे फंक्शनल यूनिट्स तो मसरूफ नहीं वो कर सकता, क्योंकि वो इनहेरेंटली इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपकी डिपेंडेंस आएगी एक दूसरे पे, कि आप कुछ लोड करेंगे तो फिर ऐड होगा, ठीक है। जिस तरह हमने VLIW में फिल करने की खुद से कोशिश की हम, लेकिन उसमें फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इन दी एंड एक ही फिल कर सके। अगर दो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होते, तो हम दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट नहीं जा रहा था, वो वेस्ट जा रहा था, तो वेस्ट था बेसिकली, ठीक है। सो अब ये हो रहा है कि वो VLIW में हम खुद फिल करते हुए वेस्ट कर रहे थे, इसमें हार्डवेयर फिल कर रहा है, तो हार्डवेयर भी फिल करते हुए सब कुछ तो फिल नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्ट्रक्शन की एक दूसरे पर डिपेंडेंस होती है, कैश मिस होती है सारी। तो ये ठीक है। सो ये फिर 96 में एक पेपर इस पे आया था, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में। तो ये कह रहे हैं कि एड मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट एंड फेच इंजन एंड अलाउ इंस्ट्रक्शंस फेच फ्रॉम डिफरेंट थ्रेड्स टू इश्यू साइमल्टेनियसली। कि आप अगर आइडियल सुपर स्केलर ये होगा कि जिसमें आप मल्टीपल थ्रेड से उठा सके और उन सब थ्रेड्स को कह लें कि पैरेलल में, क्योंकि मल्टीपल फेच कर रहे होंगे, तो अगर फंक्शनल यूनिट अवेलेबल है, तो वो एट द सेम टाइम भी वो स्केड्यूल हो सके। यानी थ्रेड वन और थ्रेड टू डिफरेंट फंक्शनल यूनिट को यूज कर रहा हो, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। सो इस यूटिलाइज वाइड आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर प्रोसेसर इश्यू क्यू टू फाइंड इंस्ट्रक्शन टू इश्यू फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। तो आपकी, क्योंकि अमूमन इश्यू क्यू जो होती है, जो हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन फेच हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है मल्टीपल थ्रेड्स को यूज करने में। आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शन विंडो ऑलरेडी हैज मोस्ट ऑफ सर्किटरी रिक्वायर्ड टू स्केड्यूल फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। तो हमारी जो वो इंस्ट्रक्शन विंडो थी, वो ऑलरेडी मतलब दो हिस्से हमने बना दिए थे ना, एक रीऑर्डर बफर और एक इंस्ट्रक्शन विंडो। तो इंस्ट्रक्शन विंडो में ऑलरेडी आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की फंक्शनैलिटी तो है ही, तो उसमें अब आपने बस ये चीज डालनी है कि मल्टीपल थ्रेड्स की सपोर्ट भी हो, कि आपको पता हो कि ये इस थ्रेड का काम है, वो दूसरे थ्रेड का काम। एनी सिंगल थ्रेड कैन यूटिलाइज होल मशीन। तो ये भी हो सकता है कि अगर एक ही थ्रेड चल रहा हो, तो वो पूरे पूरी मशीन को यूज करो, क्योंकि पीछे से अगर वर्कलोड ही आपने चलाया ही एक प्रोसेस हुआ है, तो वो पूरे को यूज करो, और अगर मल्टीपल चल रहे हैं तो उनमें शेयर हो जाए, ठीक।
सो ये जो है ना फिर कॉन्सेप्ट इस वक्त तो 96 में कॉन्सेप्ट था और उसके बाद फिर ये यूटिलाइज हुआ। IBM पावर 4 जो पीसी था ये सिंगल थ्रेडेड था, ठीक है, लेकिन पावर 5 में इसको इन्होंने मल्टी थ्रेडेड बनाने की कोशिश की। तो इसकी मतलब लंबी सी पाइपलाइन थी जो कि यानी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच है, फिर इंस्ट्रक्शन क्रैक एंड ग्रुप फॉर्मेशन है, और उसके बाद आगे जाके इसकी एग्जीक्यूट में आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है और ये चलो। लेकिन इसको इसके 8 एग्जीक्यूशन यूनिट थे इसके अंदर, ठीक है, टोटल यानी कि आपके एग्जीक्यूशन के 8 यूनिट्स इसमें चल रहे थे। जिसको जब इन्होंने पावर 5 निकाला तो उसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की, उन्होंने कहा कि हम मल्टीपल फैच करना शुरू कर देंगे और मल्टीपल डिकोड करना शुरू कर देंगे और मल्टीपल कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो अब दरमियान में आप फिर ये कर लेंगे कि जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस हैं अगर वो दो डिफरेंट थ्रेड्स की भी हैं तो वो पैरेलल में चल सके, ठीक है, बजाय एक वक्त में एक थ्रेड चलाने के, ठीक है। सो व्हाई ओनली टू थ्रेड्स विथ 4 वन ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज वुड बी प्रोन टू बॉटलनेक। सो मतलब कंसेप्चुअली तो हमने कहा था कि जितने भी थ्रेड चला लें, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने मतलब दो थ्रेड ही सिर्फ पैरेलल में उठाए, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप 4 थ्रेड लगाएंगे तो आपके रजिस्टर्स या कैश या मेमोरी बैंडविड्थ इधर कहीं ना कहीं भी बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगी कि कैश में ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे या रेज फाइल बहुत बड़ी चाहिए होगी, तो इसलिए इन्होंने 2 थ्रेड सपोर्ट किए, ठीक है। सो चेंजेस क्या थी जब आपने पावर 4 से पावर 5 में गए और इन्होंने साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग उसके अंदर डालने की कोशिश की? इंक्रीज्ड एसोसिएटिविटी ऑफ L1 इंस्ट्रक्शन कैश एंड इंस्ट्रक्शन एड्रेस ट्रांसलेशन बफर्स, ठीक है। सिंपल मल्टी थ्रेडिंग और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में क्या फर्क? सिंपल मल्टी थ्रेडिंग में 2 तरह की हमने पढ़ी है, एक फाइन है और एक कोर्स है। फाइन का मतलब है कि हर क्लॉक साइकिल पे आप चेंज कर रहे हैं थ्रेड को या हर कुछ क्लॉक। कोर्स है जिसमें हमने कहा कि जब कोई कैश मिस होगी तब चेंज कर रहे होंगे। जो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग है इसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि दोनों थ्रेड्स को पैरेलल में ही लोड करते रहो उनकी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और फंक्शनल यूनिट्स को देखते रहो जो जो अवेलेबल है उसके हिसाब से 1 और 2 दोनों को इकट्ठे स्केड्यूल कर दो, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास 2 फ्लोटिंग बॉन्ड यूनिट हैं और थ्रेड 1 को भी फ्लोटिंग बॉन्ड चाहिए, थ्रेड 2 को भी चाहिए, तो एक एक को दे दो, दूसरे दूसरे को दे दो, ठीक है। तो इनकी इंस्ट्रक्शंस जो है एक ही आपकी जो इंस्ट्रक्शन विंडो थी हमारी इसके अंदर आप दोनों थ्रेड्स की एट द सेम टाइम इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और इशू करने वाला एट द सेम टाइम 2 इंस्ट्रक्शन पैरेलल में इशू कर देगा आगे। हाँ, दोनों डिकोड भी पैरेलल हो रही हैं, दोनों आगे इशू भी पैरेलल हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक ही वक्त में 2 थ्रेड भी चल सकेंगे। जो हमने पिछली मल्टी थ्रेडिंग पढ़ी है उसमें एक वक्त में 2 नहीं चलते, यानी कि एक वक्त से मुराद है कि हमारे हिसाब से तो 2 पैरेलल में चल रहे होते हैं लेकिन एक क्लॉक साइकिल में एक थ्रेड चल रहा होता है, ठीक है, जो कोर्स ग्रेंड हो या फाइन ग्रेंड हो। कोर्स ग्रेंड में तो वैसे ही एक ही चल रहा होता है जब तक कैश मिस नहीं होती, फाइन ग्रेंड में एक एक साइकिल में चेंज हो रहा होता है लेकिन एक साइकिल में एक ही थ्रेड चल रहा होता है। इसमें एक साइकिल में भी 2 थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है, यानी सेम साइकिल में एक रिसोर्स एक थ्रेड यूज कर रहा है, एक रिसोर्स दूसरा थ्रेड, तो ये उस लिहाज से डिफरेंट है, ठीक है। सो फिर इन्होंने इंस्ट्रक्शन कैश के अंदर उसकी एसोसिएटिविटी बढ़ाई इसमें ताकि उसके जो मिसेज हैं कन्फ्लिक्ट मिसेज कम आ सके। नॉर्मली क्योंकि सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटिव बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि आप 2 सीक्वेंस चल रहे होंगे पैरेलल में दोनों का अलग अलग पीसी होगा तो आप एसोसिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। पर थ्रेड लोड एंड स्टोर क्यूज बढ़ाई, ठीक है, कि दोनों थ्रेड्स के लिए लोड क्यू और स्टोर मतलब स्टोर बफर हमने पढ़ा था ना और लोड क्यू भी, तो ये दोनों जो है ये अब दोनों थ्रेड्स के लिए अलग अलग हो गई। इंक्रीज साइज ऑफ L2 1.92 से 1.44 1.92 कर दिया 1.44 से एंड L3 एडिट सेपरेट इंस्ट्रक्शन प्री फैच एंड बफरिंग पर थ्रेड। तो इंस्ट्रक्शन फैच और प्री फैच भी जो है हमने पीछे पढ़ा हुआ कि हम इंस्ट्रक्शन प्री फैचिंग क्या होती है कि हम जनरली जब मेमोरी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हम जब एक इंस्ट्रक्शन पे कैश मिस होती है ना तो हम 2 बफर पढ़ के ले आते हैं, ठीक
और जब ये फिल ये पूरे से दूसरे पे स्विच करते हैं तो अगला भी पैरेलल में फिल कर देते हैं ताकि हम इंस्ट्रक्शन में बोलूँ। ये वाला जो मैकेनिज्म है ये भी दोनों के अंदर दो थ्रेड्स के लिए लगा दिया बजाय एक थ्रेड के। इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्चुअल रजिस्टर्स फ्रॉम 152 टू 240। ठीक है, तो इसके बैक एंड पे जो हमारे जिस तरह यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल थी उसमें जो आपके रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं वो आपने बढ़ा दिए। इंक्रीज द साइज ऑफ सेवरल इशू क्यूज। द पावर 5 कोर इज अबाउट 24% लार्जर देन पावर 4 कोर बिकॉज ऑफ इट्स ऑफ एडिशन ऑफ SMT सपोर्ट। सो SMT सपोर्ट की वजह से, यानी अगर एक 1 square inch की थी ना तो अगली जो पावर 5 था वो 1.24 स्क्वायर इंच पे आ जाएगा। ठीक है, पेंटियम 4 जो था जिसमें आप मतलब मार्केट में जो लफ्ज आप हाइपर थ्रेडिंग पढ़ते हैं ना वो एक्चुअली साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग होती है। ठीक है, सो हाइपर थ्रेडिंग आपने सुना होगा अगर आपने पेंटियम पीसेस लिए हो। ठीक है, सो हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, वो बेसिकली दिस इज एक्चुअली साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, कि आपके आउट ऑफ ऑर्डर हार्डवेयर को यूज करते हुए आप मल्टीपल थ्रेड्स उसके ऊपर पोर्ट कर सकते हो। रियल में एक्चुअली एक ही प्रोसेसर पीछे लगा हुआ। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन वो तो पहले से ही थी ना। ये जो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग बनी है ना कि एक से ज्यादा थ्रेड आप प्रीफेच कर रहे हैं और दोनों को आप चला रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला काम जो है वो पेंटियम 4 में ऐसे शुरू हुआ है और उस वक्त इसको हम उस हाइपर थ्रेडिंग कहते थे, बट इट वॉज एक्चुअली मतलब आप आर्किटेक्चर वाइज जो टेक्निकली रिसर्च में टर्म है वो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग है और जो मार्केट में टर्म यूज हो रही है वो हाइपर थ्रेडिंग यूज हो रही है। लॉजिकल प्रोसेसर शेयर नियरली ऑल रिसोर्सेज ऑफ फिजिकल प्रोसेसर, कैशेज, एग्जीक्यूशन यूनिट, ब्रांच प्रेडिक्टर्स। ठीक है, सो अब आपके वो जो अगर टू वे SMT इसमें थी, यानी टू वे SMT का मतलब है कि एक्चुअल में एक ही प्रोसेसर है लेकिन आप दो थ्रेड पैरेलल में लोड कर सकते हैं और जब एक थ्रेड जो दोनों को एट द सेम टाइम रिसोर्सेज भी एलोकेट कर सकते हैं क्योंकि साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग है तो दोनों पैरेलल में चलते रहेंगे। ठीक, डाई एरिया ओवरहेड ऑफ फाइबर थ्रेडिंग तकरीबन 5% इसका डाई बड़ा था, यानी कि एक 1.05 square inch का होगा। व्हेन वन लॉजिकल प्रोसेसर इज स्टॉल्ड अदर कैन मेक प्रोग्रेस, नो लॉजिकल प्रोसेसर कैन यूज ऑल एंट्रीज इन क्यू व्हेन टू थ्रेड्स आर एक्टिव। अगर दोनों ही चल रहे हैं तो सारी एंट्रीज वो नहीं एक यूज कर सकता, लेकिन जब एक स्टॉल होगा तो फिर दूसरा जो है ना वो पूरे का पूरा यूज कर सकता है। प्रोसेसर रनिंग ओनली वन एक्टिव सॉफ्टवेयर थ्रेड रन्स अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड विद और विदाउट हाइपर थ्रेड। तो अगर आपने एक ही थ्रेड चलाया तो वो तकरीबन उसी स्पीड पे चलेगा चाहे हाइपर थ्रेडिंग हो रही हो या ना हो रही हो। फायदा तब होगा जब आपके दो थ्रेड्स जो चल रहे हैं उनमें फिर अगर जो एक का वेस्ट था उसमें दूसरा स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक, हाइपर थ्रेडिंग ड्रॉप फ्रॉम आउट ऑफ ऑर्डर P6 बेस्ड फॉलो ऑन टू पेंटियम 4। ये जो आपके पेंटियम एम कोर टू डुओ और कोर डुओ आए हैं इनमें हाइपर थ्रेडिंग खत्म हो गई थी अनलेस जो आपका नीलम आर्किटेक्चर था जो कि 2008 ऑनवर्ड्स वाली मशीन में दोबारा इसको रिवाइव किया। जो आपकी इंटेल एटम प्रोसेसर है जो उस वो आपका जो है ना टू वे वर्टिकल मल्टी थ्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, सो वर्टिकल मल्टी थ्रेडिंग जो है ना वो काइंड ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ही बन गई। अच्छा, सो पेंडियम 4 जो है ना उस पे अगर आप जो इसकी परफॉर्मेंस है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग की वो 1.01 स्पीड अप फॉर ये हमारे बेंच मार्क्स हैं कुछ। ठीक है, एक फ्लोटिंग पॉइंट का है और एक इंटीजर का है। एक पे 1% का स्पीड अप मिला है, एक पे 7% का कहते हैं स्पीड अप मिला है। ठीक है, सो पेंडियम 4 जो है ना वो उसके इसमें भी मल्टीपल प्रोग्राम हैं जिनको फिर आप पेयर बना के 26 प्रोग्राम हैं जिनको हर एक को दूसरे के साथ मिला के आप चलाएंगे। सो रनिंग ऑन पेंडियम 4 ईच ऑफ 26 पैक बेंचमार्क्स पेयर विद एवरी अदर स्पीड अप्स ऑफ 0.9 टू 1.58 एवरेज ऑफ 1.2 जो है ना आपको मिली। ठीक है, यानी कि अगर आप ये करेंगे 26 अगर आपके टोटल प्रोग्राम है, ठीक है,
और अब आप इसको इसके साथ भी मिला सकते हैं, इसको दूसरे के साथ भी मिला सकते हैं, तो ये दोनों सेम ही प्रोग्राम है, यानी कि ये 26 प्रोग्राम है, ये मैंने दो दफा बनाए अपने, ठीक है। तो अब आप सिमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग करेंगे तो इसका मतलब दो प्रोग्राम्स को आप पैरेलल में दो थ्रेड्स बना रहे हैं, तो इसको पहले के साथ भी थ्रेड बना सकते हैं, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर अगर आप इनको सारों के साथ बनाए एक एक करके, हर प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ, तो ओवरऑल जो आपकी एवरेज आई है ना, वो 1.2 यानी कि 20% का गेन मिला है, ठीक है, स्पीड अप। और ओवरऑल जो स्पीड अप है वो 0.9 से 1.5 तक, यानी कि बेस्ट केस में दो को जब चलाया ना, तो वो सिंगल सिंगल पे चलाने से की बजाय डेढ़ गुना तेज था तकरीबन, लेकिन वर्स्ट केस में जो था वो एक्चुअली स्लो हो गया, ठीक है, 0.9 पे पहुंच गया, ठीक। पावर 5 जो है ये तो पेंटियम 4 का था, ये 1.23 फास्टर चलता है इंट वाले में, और 1.16 फास्टर चलता है स्पेक जो फ्लोटिंग बॉन्ड है, यानी 16% और 23%। पावर 5, हाँ ये उसका पावर 5, अभी जो हमने ये जिसका आर्किटेक्चर देखा, पावर 4 और पावर 5 जो था, पावर 5 में SMT डाली थी ना, तो दो हमने एग्जांपल पढ़ी है SMT की, दोनों में 2-way SMT हो रही है, और एक पावर 5 है और एक पेंटियम 4 है, ठीक है। सो पावर 5 रनिंग 2 कॉपीज ऑफ ईच ऐप स्पीड अप बिटवीन 0.89 to 1.41, मोस्ट गेन्स ऑन फ्लोटिंग पॉइंट एप्स हैज मोस्ट कैश कन्फ्लिक्ट रिलीज गेन। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास का ये होता है कि कैश कन्फ्लिक्ट की वजह से गेन आपका कम है, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप बनाते हैं ना, प्रोसेसर की दुनिया में अगर आपने लेट से आज MS में आप थीसिस करते हैं और कहते हैं मैं नया डिज़ाइन प्रपोज कर रहा हूँ, और उस डिज़ाइन को जब आप कहेंगे कि ये पिछलों से बेहतर है या नहीं है, उसके लिए फिर आप बेंचमार्क प्रोग्राम चलाएंगे ये वाले, और बेंचमार्क प्रोग्राम चला के बताएंगे कि मेरा इतने साइकिल में इतने टाइम में एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। ऑब्वियसली इधर बैठ के ये शायद फैब्रिकेट करवाना मुश्किल हो, में भी आप FPGA लेवल पे कर सके, वो स्पीड तो वो नहीं मिलेगी जो चिप पे मिलती है, लेकिन मे भी एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि कितने कितने क्लॉक पे चल सकता है आपका डिज़ाइन, और उस क्लॉक रेट के हिसाब से हम साइकिल निकाल सकते हैं कि इतने साइकिल लगते हैं। तो अगर वो पहलों से बेहतर चलते हैं तो आप कह सकते हैं कि जी मेरा बेस्ट प्रोसेसर है, ठीक, जो कि पॉसिबल है, मुश्किल है बहुत, इंतहाई अनलाइकली कि वो पूरी टीम बैठी हुई आप उससे बेहतर हो जाए, लेकिन हम बाद में वेक्टर प्रोसेसर में देखेंगे कि क्रे ने ये काम किया था कि 26 लोगों की टीम ने IBM को बीट कर दिया था, ठीक। ओके, सो बेसिकली जब आप SMT करते हैं ना, तो होता यह है कि जहां पर आपका हाई थ्रेड लेवल पैरेललिज्म चल रहा हो, तो पूरी मशीन विड्थ जो है ना वो सारे थ्रेड्स में शेयर हो जाती है, लेकिन अगर आपका ओवरऑल थ्रेड्स ही काम चल रहे हो, यानी प्रोग्राम ही काम चल रहे हो, तो फिर आपका जो भी इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है ये उसमें यूज होना शुरू हो जाता है। सो यानी कि हमने जो सुपर स्केलर की पाइपलाइन जिस तरह देखी थी कि वो ऑटोमेटिकली एक ही थ्रेड के पैरेलल चीज़ें निकाल के इस्तेमाल करेगा, अगर एक ही थ्रेड चल रहा तो उस किस्म की परफॉर्मेंस होगी, अगर ज़्यादा थ्रेड चलना शुरू हुए तो पूरी विड्थ में आप सारे थ्रेड्स के दरमियान शेयर करना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी किस थ्रेड से हम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा फैच करें, ठीक है। उसके लिए मतलब एक पॉलिसी ये है कि आप जो इस वक्त इन फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस चल रही है ना, जिस थ्रेड की सबसे कम इंस्ट्रक्शंस इन फ्लाइट हैं उससे फैच करें, ठीक है, तो वो आपका बेहतर परफॉर्मेंस देगा, यानी कि उससे वो स्टार्व नहीं होगा कोई थ्रेड और चलता रहेगा। ये तो खैर अब काइंड ऑफ इसमें क्या ये समझ नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली आप मल्टीपल थ्रेड से फेच कर सकते हैं ना इंस्ट्रक्शंस, और आपका आगे इंस्ट्रक्शन विंडोज से फिल हो रही है, तो आप किससे ज्यादा फेच करें, किससे कम फेच करें, तो आप फेच अगर एक एक थ्रेड से बारी बारी फेच करें तो बेहतर है कि आप जिस थ्रेड की मिनिमम इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है उससे फेच कर लें, उससे फेच करने से ये होगा कि वो स्टार्व नहीं होगा कोई थ्रेड, ठीक है, जो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं वो हो सकता है ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो किसी चीज पे,
ठीक है, और वो ब्लॉग्ड है तो आप उसकी मजीद इंस्ट्रक्शन बीच में डालेंगे तो वो फर्दर यूज़ नहीं होंगी, तो जो कम यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है कि उसको आप उठा के डालें। ठीक है, सो ये हमारा काइंड ऑफ, अगर आप इन सम दी, ये स्लाइड जो है ना, ये जो हमने SMT पढ़ा उसको और पिछली थ्रेडिंग्स को सारों को एक बड़े अच्छे से विजुअल में सम अप कर देती है कि अगर आप सुपर स्केलर आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में चल सकती हैं और बीच में कोई अगर बास का ब्लॉक हो जाती है इंस्ट्रक्शन और उसकी वजह से वेस्टेड साइकिल्स आते हैं कि आप कोई आगे आपको कोई इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन नहीं मिली और अब आप इंतजार फरमा रहे। ठीक, तो ये आपका सुपर स्केलर जो सिंगल थ्रेड, अभी हमने जब मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ी थी तो उस वक्त, जब आप फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग करते हैं यानी कि हर साइकिल में थ्रेड चेंज करने, तब इस किस्म की चीज होगी कि एक साइकिल में एक थ्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके चलना शुरू हो जाते। तो वो इस किस्म का, इसमें आप कलर जो है ना वो डिफरेंट थ्रेड को शो कर, ठीक है, जिस तरह पिछली स्लाइड में भी कह रहा था। तो फाइन ग्रेन में यह है कि हर साइकिल में चेंज हो रहे हैं, इसमें नॉर्मली आपका वर्टिकल वेस्ट बड़ा कम होता है क्योंकि कोई ब्लॉक नहीं होता है सच, अगर ब्लॉक हुआ तो दूसरा थ्रेड उसकी जगह चलने के लिए तैयार होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेस्ट इसमें स्टिल आ रहा होता है। कोर्स ग्रेन में क्या होता है कि थोड़ी देर वही वाला थ्रेड चलता रहा लेकिन जब ये ब्लॉक हुआ तो आपने कोई और थ्रेड डाल दिया, जब वो ब्लॉक हुआ तो कोई और थ्रेड डाल दिया और फिर मतलब इसके, ठीक, कोर्स ग्रेन जो है वो काइंड ऑफ इसमें हार्डवेयर इसकी नस्बत कम लगेगा, एक तो इसमें आप वाकई कॉन्टेक्ट स्विच करेंगे, ठीक है, सो लेकिन हर साइकिल में कॉन्टेक्ट स्विच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, सो मे बी आप दोनों के लिए लेदर लेदर एच फाइल नहीं रखेंगे, मे बी हो सकता है रख लें वैसे, लेकिन मतलब कुछ चीजें आप शेयर्ड रखेंगे बीच में जो कॉन्टेक्ट स्विच में इधर से उधर मूव। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि भाई एक प्रोसेसर पे एक थ्रेड चल रहा है, दूसरे पे दूसरा चल रहा है, ठीक है, सो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रोसेसर डिफरेंट, हाँ, दो अलग अलग प्रोसेसर है, तो अब ये वाला प्रोसेसर है इस पे यही थ्रेड चल रहा है, जब ये रुक गया तो फिर कुछ साइकिल वेस्ट गया, फिर दोबारा ये चला, दूसरे पे दूसरा थ्रेड चल रहा है, तो इससे हॉरिजॉन्टल वेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन वर्टिकल वेस्ट थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है। और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग जो है ना, ये काइंड ऑफ सबसे फ्लेक्सिबल एंड सबसे ज्यादा हार्डवेयर यूज करने वाले, क्योंकि इसमें एट द कॉस्ट ऑफ कि आपको पूरा हार्डवेयर चाहिए होगा जो सुपर स्केलर में आप ऐड करेंगे, तो इसमें फिर यह है कि एक ही साइकिल में एक से ज्यादा थ्रेड भी चल रहे होंगे, ठीक है, तो अब आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेस्ट दोनों मिनिमाइज होंगे, ठीक है, बिकॉज जब भी आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मिली जो कि पैरेलल में चलाई जा सकती है तो आप उसको चला देंगे इसके अंदर। तो ये हमारा काइंड ऑफ मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक खत्म हो गया। सो एक्नॉलेजमेंट्स ऑब्वियसली मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ, ये तो मैंने यूसी बर्कले की स्लाइड्स मैंने जैसे कि पहले बताया कि यूज कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी आगे जो है वो अरविंद जो है ये MIT के हैं, क्रिस्टेसनोविच की ये स्लाइड्स हैं, और फिर MIT और इंटेल के कुछ बंदे हैं, और CMU और यूसी बर्कले की, तो ये सारी यूज हो रही है, ठीक है, और MIT का ये वाला कोर्स था। ओके, सो ओके, सो अगला हमारा जो है ना वो अब है वेक्टर प्रोसेसर, ठीक है, मे बी हम ऐसा करते हैं आज की क्लास छोटी कर लेते हैं क्योंकि बंदे भी कम है वैसे और मे बी आज क्या अभी हमारी 4 रह गई हैं क्लासेस पीछे, 4 में एक मिनट लेट मी थिंक कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा हमारे टॉपिक्स कितने रहते हैं। VLAW हो गया, वेक्टर प्रोसेसर रह गया, GPU सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, अगर अगले में वेक्टर प्रोसेसर करेंगे एक लेक्चर में हो जाना चाहिए इंशाल्लाह, और सिंक्रोनाइजेशन लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, फिर इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है, मेरा ख्याल है आज हम इधर रुक जाते हैं और
हमारे बेसिकली इसके बाद दो तीन टॉपिक्स मेन रहते हैं जो कि हम कवर करना चाहेंगे। सो इन अ नटशेल अब हमने क्या क्या कर लिया है, थोड़ा सा रिव्यू सा अगर हम कर लें तो हम स्टार्ट हुए थे विद अ प्रोसेसर जो कि सी की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता था, ठीक है। सो और वो रिस्क था, ठीक है, और उसमें बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन थी, ठीक है। सिंगल साइकिल था, ठीक है, स्लो था यानी कि। सो हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया कि हमने इसको फास्ट बनाया, जिसके लिए हमने इसको पाइपलाइन किया और पाइपलाइन के फिर हैजर्ड्स आए और हैजर्ड्स को हमने इंटरलॉक्स और बाईपास से रिमूव किया, ठीक है। और फिर हमने इसके साथ साथ कुछ साइड टॉपिक्स पढ़े जो कि इंटरप्ट्स थे कि उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, ठीक है। और ब्रांच प्रोटेक्शन भी हमने काइंड ऑफ इधर ही पढ़ ली थी, ठीक है। कंट्रोल हैजर्ड्स, क्योंकि हैजर्ड्स भी दो तरह के थे, ये हमने डाटा हैजर्ड्स थे जिनको हमने इंटरलॉक्स बाईपास से किया, और कंट्रोल हैजर्ड्स जो थे उनको हमने ब्रांच प्रोटेक्टर से किया, और इंटरप्ट्स जो था क्योंकि ब्रांच से रिलेटेड टॉपिक था तो वो भी हमने साथ कवर किया। तो इससे हमारा एक बेसिक सा रिस्क प्रोसेसर बन गया। फिर हम अगली स्कीम पे आए कि हमने इसकी मेमोरी बढ़ानी है, ठीक है। सो मेमोरी के लिए हमने कहा कि हमने इसमें कैश का मैकेनिज्म पढ़ा, और कैश में ऑब्वियसली फिर हमने एसोसिएटिविटी पढ़ी कि सेट एसोसिएटिव है, और फिर हमने मिस की प्लेसमेंट पॉलिसी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, राइट पॉलिसी, ये मुख्तलिफ पॉलिसीज पढ़ी, तो इसके रिलेटेड पूरे एक टॉपिक्स थे जो कि हमने कवर किए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि वी जस्ट ये इसको सबसे पहले तो हम इंक्रीज करना चाह रहे थे मेमोरी को, तो वो हमने कैश से किया, और हमारी ख्वाहिश थी कि हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अ लॉट ऑन ये जो हमने स्पीड का गेन किया, क्योंकि बड़ी मेमोरी स्लो होती है, तो कैश इसलिए लगाई थी, सिर्फ मेमोरी लगा दे तो स्लो हो जानी थी, स्लो से फिर ये वाला जो हमने हल किया था वो दोबारा बस फास्ट ही रखना चाहते हैं तो कैश लगा लें, जो कि 90%+ ऑफ द टाइम हिट होगी, बाकी जो 5-10% ऑफ द टाइम जो कैश मिस होगी वहाँ पर हमें पेनल्टी पड़ेगी। लेकिन हमने कहा कि हम इसके साथ साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स भी इकट्ठे चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज चाह रहे थे, फिर हम मल्टी प्रोग्रामिंग करना चाह रहे थे, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल सके, ठीक। उसके लिए हमने वर्चुअल मेमोरी पढ़ी, ठीक है, और हमने कहा कि हम वर्चुअल एड्रेस देंगे, उसको हम फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करेंगे, जो कि हम स्टार्ट हुए बेस एंड बाउंड से, और फिर हमने कहा कि नहीं ये तो फ्रेगमेंट हो जाएगा, और फिर हमने पेजिंग की, और पेजिंग में हमने कहा कि यार ये तो बहुत स्लो भी हो जाएगी और पेज टेबल का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पेज टेबल के साइज़ के लिए हमने मल्टी लेवल पेज टेबल पढ़ लिया, और स्लो को फास्ट करने के लिए हमने TLBs पढ़ी, ठीक है, ट्रांसलेशन लोको साइड बफर और वो चीज़ें, ठीक। और ऑब्वियसली फिर उसके साथ हमने वर्चुअल कैश और उसके कुछ टॉपिक्स पढ़े कि ट्रांसलेशन लोकल साइड बफर होगा तो ये भी स्लो कर देगा थोड़ा सा, ठीक है, ओवरऑल हमारी पाइपलाइन को, तो उसको फास्ट करने के लिए हमने कहा कि आप वर्चुअल कैश लगा दें और TLB बाद में लगा दें, तो ये एक तरीका यूज हो सकता है, या फिर एलियसिंग के प्रॉब्लम हमने देखे कैसे रिजॉल्व। इसके बाद हम आगे कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन में, ठीक है। सो इधर तक यानी कि हम सिंपल चीज से शुरू हुए थे, कम वेरिएबल रख के सी इंस्ट्रक्शन से, बाकी सब कुछ मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम में हमने कहा था कि दुनिया में जब भी सॉल्व करने का आसान तरीका है कि पहले एक वेरिएबल फिक्स कर लो, फिर उसको इंटैक्ट रखते हुए उसमें मजीद दूसरा वेरिएबल इनकॉर्पोरेट करो, फिर उसको इंटैक्ट रखते हुए तीसरा। तो ये पहला हमने सॉल्व किया, इसको इंटैक्ट रखते हुए हमने फास्ट किया, इस फास्ट को इंटैक्ट रखते हुए हमने मेमोरी बढ़ाई, उसको इंटैक्ट रखते हुए हमने मल्टीपल प्रोग्रामिंग की सपोर्ट डाली, उसको इंटैक्ट रखते हुए अब हम कॉम्प्लेक्स पाइपलाइनिंग करना चाह रहे थे। इसके लिए हमने कहा कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट आ गई है, मेमोरी डिफरेंट लेवल की आ गई है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने फिर बेसिकली जो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स वगैरह ऐड करने थे, तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया इन ऑर्डर पाइपलाइन से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन, ठीक है। फिर हमने कहा कि नहीं, हम आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन अलाउ कर देते हैं,
ठीक है, इश्यू इन ऑर्डर ही हो, तो वो हमने स्कोर बोर्ड बनाया, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन भी अलाउ, आउट ऑफ ऑर्डर इश्यू भी अलाउ कर देते हैं और आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन भी अलाउ कर देते हैं और साथ रजिस्टर रीनेमिंग भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमने टॉमस सुलो वाला आर्किटेक्चर पढ़ा जिसमें रीऑर्डर बफर और वो चीज़ें। और फिर हमने कहा कि नहीं, इसी की एक और अप्रोच हो सकती है जिसको हम यूनिफाइड रजिस्टर फाइल कहते हैं, जो कि आजकल के प्रोसेस में यूज है, ठीक है। ये हमारा जो था ना, यहाँ पर करके हमारा कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन ख़त्म हुआ। फिर इसमें हमने क्या किया था कि आप फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स वगैरह ऐड किए थे। हमने कहा कि ये अगर आपकी इशू वेट ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो एक और अल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है कि हम VLIW प्रोसेसर बना दें, ठीक है। VLIW प्रोसेसर में हमने कहा कि सिंप्लीफाइड हार्डवेयर बट कॉम्प्लेक्स कंपाइलर और सिंप्लीफाइड हार्डवेयर, ठीक है, ये हमने काम किया, ठीक है। नॉट दैट सिंप्लीफाइड, क्योंकि अभी भी पैरेलल में उठा रहे हैं, इसके हमने सॉल्व किए। और फिर हमने कहा कि यार अब इंस्ट्रक्शन, ये सारी स्कीम्स जो है ना, ये दोनों ये इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एड्रेस कर रही है कि इंस्ट्रक्शन में पैरेलल मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कैसे उठाएं। एक और चीज़ हो सकती है कि हम थ्रेड लेवल पैरेललिज्म को करें, तो उसके लिए हमने कहा हम मल्टी थ्रेडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग आज हमने साथ की, और उसमें हमने फिर कहा कि ये दो तरीक़ों की हो सकती है, कोर्स भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, और आखिर में हमने कहा कि SMT भी हो सकता है, ठीक है। कि फाइन में हमने कहा कि हर साइकिल में इसको इंटरलीव करें, कोर्स में हमने कहा कि हम कैश मिस के ऊपर इंटरलीव करें, और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में हमने कहा कि वाई नॉट ये जो आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर हमने ऊपर बनाया था उसी के अंदर हम थोड़ी सी और सपोर्ट डाल दें मल्टीपल थ्रेड्स की, तो ये डाल दें, ठीक। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया है। अब जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करना चाहूँगा, वो एक है वेक्टर कंप्यूटर्स, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि हम जो हमने इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ किया था जो कि एक एक स्केलर को ऐड करा था, हम चाहेंगे कि वो एक एक वैक्टर को ऐड करें। सो ये जनरली सुपर कंप्यूटर जैसे आर्किटेक्चर पे बने होते हैं। और फिर GPU जो है ये ऑप्शनल है, शायद मैं इसको टच करूँ, आई वुड लाइक टू टच इट बिकॉज ये आजकल यूज हो रहे हैं। मतलब आपने जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस जो पहले आप सुपर कंप्यूटर्स पे करते थे या FPGAs पे ले जाते थे, वो अमूमन अब हम GPUs पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये एक टॉपिक इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस का है, लेकिन ऑप्शनल इस लिहाज से है कि मेरी अपनी इस पर ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कितना अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन हाँ, GPU आपको पता है कि ग्राफिक्स कार्ड को कहते हैं, और जो ग्राफिक्स कार्ड है ना उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग भी, ठीक है। जो कि आप ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जो कि जब आप उसको GPU पे पोर्ट करते हैं तो वो स्पीड अप हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जिस तरह हमने मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोज हैं जो कि अगर मैं वैसे MATLAB पे चला रहा होता था तो वो 3-1 दिन लेते थे चलने में, और हमने GPU पोर्टेड उसका कोड यूज़ किया है तो वो 5-6 घंटे में हो जाता है, तो बहुत ठीक सा गेन हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस का है। आइडियली अगर इसका कोई गेस्ट लेक्चर हो सकता तो वो ज़्यादा अच्छा था, कि जो एक बंदा जिसने इस पर काम किया हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, काम तो खैर प्रैक्टिकली तो मैंने इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ, लेकिन इनका आर्किटेक्चर की मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन GPU पे पूरा एक कोर्स होना चाहिए इन इट सेल्फ, लेकिन बट आई वुड टच इट समवट। और आखिर में जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे मेमोरी कोहेरेंसी के, जो आपके जब मल्टी प्रोसेसर जब आपका आता है ना, तो फिर उससे आपके कैश कोहेरेंस के मसले आते हैं, ठीक है। सो कैश कोहेरेंसी और सिंक्रोनाइजेशन, ये दो हमारे टॉपिक होंगे। कि जब मल्टीपल प्रोसेसर लग जाते हैं या मल्टीपल थ्रेड लग जाते हैं, तो फिर आपको उन थ्रेड्स के अंदर कुछ अजीब से मसले पैदा हो जाते हैं एक शेयर्ड मेमोरी होने की वजह से। तो उन मसलों को अवॉइड करने के लिए हम सिंक्रोनाइज करते हैं कि यार ठीक है, कोई ऐसी इनकंसिस्टेंट स्टेट ना आ जाए कि जो आप प्रोग्राम लिखते हुए इन्विजन ही ना कर सकते हो। तो ये हमारे काइंड ऑफ अब रिमेनिंग टॉपिक हैं, जिनमें से ये तीन जो है ये मस्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ये वाला जो है ये
मोस्ट प्रॉबेबली कवर करेंगे अगले 4 लेक्चर्स में। तो मेरी कोशिश होगी कि अगले लेक्चर में ये दोनों हो जाए और फिर ये हमारे लिए 2 से 3 लेक्चर हों, और फिर हम एक आखिरी लेक्चर जो है ना, अगर ये 2 लेक्चर में कवर कर लिया तो आखिरी लेक्चर में हम थोड़ा सा रिव्यू, और 4 रहते ना। हाँ, 15 को आखिरी क्लास है। हाँ, 15 को आखिरी क्लास है। हाँ, 15 को आखिरी क्लास। सो बेसिकली मेरी कोशिश होगी कि ये 1 to 1.5 लेक्चर हो, और ये जो है ना, ये वैसे 2 लेक्चर्स बनेंगे मेरे ख्याल में। सो फिर आखिरी जो, अगर ये 1 और ये 2 है तो आखिरी लेक्चर में हम मे बी आधा लेक्चर आखिरी जो होगा उसमें हम फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ कर लें। इस पे फोकस ना करेंगे, फाइनल आसान होंगे या मुश्किल होंगे, ठीक है? फोकस ऑन दिस थिंग कि आपको समझ आ रहा है, गुड इनफ, ठीक है? बाकी पेपर जो है ना, अगर चीज समझ आ गई तो अच्छे हो गए, अगर नहीं आ रही तो फिर। इनकी अपनी कूडा लैंग्वेज है, ठीक है, ओपन सी एल और कूडा, ठीक है। तो वो मतलब ऑब्वियसली इसकी कोडिंग सीखना ही एक अलग से काम होता है, लेकिन स्टिल मतलब नॉर्मली अगर मैंने कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम करना है तो मैं या FPGAs पे चला जाऊंगा या इस पे चला जाऊंगा, अगर मेरे पास सुपर कंप्यूटर नहीं है तो। हाँ, इसमें जब हम ये मल्टी थ्रेडिंग और वेक्टर पढ़ लेंगे तो ये काइंड ऑफ इनका मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें बहुत सी कोर्स हैं जो कि मल्टी थ्रेडेड सी चल रही होती हैं, तो वो फिर हम देखेंगे थोड़ा सा आर्किटेक्चर उसका, ठीक है जी। यहाँ पर हम रुकते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में फिर